कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम सब चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सारे चालिया सारे कोई दिक्कत कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं हैगी आप बताओ कैसे हो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ कैसा लग रहा हूं इतने दिनों के बाद ब्लैक शर्ट के अंदर ओ माई गोड हे भगवान मुझे मेरी ही नजर न लग जाए इधर देखो ध्यान से अच्छा कई बच्चे सोच रहे हैं यार विवेक सर तुझे पागल नहीं लगते अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं तो मैं क्यों ना करूं आपने कभी मेरी तारीफ की है मतलब लग रहे होता है ना, हो। ना, हो ना कल यूट्यूब पे एक नालायक बच्चे ने कमेंट डाल दिया विशाल ने अब मैं सारे विशाल की बात नहीं कर रहा बस एक बच्चा विशाल है उसका कमेंट मैंने अभी भी रखा हुआ है उस बच्चे ने कहा सर पचास दिन आप कल से डेली आओगे तो आप इतने सारे बच्चों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो मतलब विशाल ने सभी को सब बच्चे मान लिया विशाल कह रहे मैं ही सब बच्चे हूं नालायक सर एक बात मैं सोच के बताना अपना कलेजा निकाल के आपके सामने लेके आ रहा हूं पूरी जान लगा दूंगा रिवीजन क्लास करने में आपको पता नहीं है कितना टाइम लगता है रिवीजन क्लास और सामने देखो ये नालायक कैमरा है अब कैमरे के सामने बोलना कौन सा आसान है ये तो मेरी बात सुनता नहीं कम से कम आप तो मेरी बात सुनते हो तो इतने सारे बच्चे सामने बैठे हैं तो विशाल अगर आप यहाँ पे हो तो टाइम वेस्ट मत करो बाकी सब बच्चे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं ठीक है और अगर विशाल आपको चैट बॉक्स में दिख जाए उसको चुप करके बाहर निकाल देना उसका टाइम वेस्ट नहीं करवाना किसी ने ठीक है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और अच्छा इंटेलिजेंट है मैं तो चाहता हूँ बट उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ठीक है चलो इधर देखो ध्यान से विशाल कहेगा ओ माई गोड सर ने मेरा तो आज नाम ले दिया नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा कल दिल बहुत दुखा है मतलब मैं कल, कल पूरी रात ये सोचता रहा कि मेरी रिविजन क्लास से टाइम वेस्ट होता है मतलब मैं तो अपनी जान लगा रहा हूँ अपना कलेजा निकाल के ये बात बात ये नहीं है कि एक बच्चे ने कहा बात ये है कि उस बच्चे के माइंड में सोच भी कैसे आ गई वो बच्चा कितनों को डिमोटिवेट करता होगा वो सोच भी नहीं सकता और वो खुद ही डिमोटिवेट बच्चा होगा तो उसके आसपास मत रहना जी वो बहुत डिमोटिवेट करेगा ये बात ध्यान रखना चलो इधर सुनो ध्यान से अब आज हम यहाँ पे रिविजन क्लास करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की रिविजन क्लास नंबर वन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लो जी मुझे लग रहा है लाइट चली गई है ठीक है एक मिनट एक मिनट रुक जाए पंगा है कि मेरे को लग रहा है बीच में सेशन ये बंद ना हो जाए एक दो मिनट जो मैं पोज कर रहा हूँ चलो जी हमारे यहाँ तो लाइट चली गई है मैं रिवीजन क्लास तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ इन्वर्टर चल रहा है अभी ठीक है भगवान करे पूरी की पूरी रिवीजन क्लास रिकॉर्ड हो जाए और मैंने पंखा बंद कर दिया उं, 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 उं। ऐसी आवाज कर रहा था नालायक ठीक है जी चलो इधर सुना ध्यान से तो आज हमारी इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास नंबर वन स्टार्ट होने जा रही है जी इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास नंबर वन के अंदर मैंने पहले कहा था कि चैप्टर नंबर वन हम करेंगे चैप्टर नंबर जो होगा वो लगातार तीन रिवीजन क्लास चलेगा तीन रिवीजन के बाद जो होगा हमारा चैप्टर नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब आज हमें टॉपिक कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरा कंप्लीट शेड्यूल आप में से काफी सारे बच्चे जानते हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है तो जिन बच्चों को नहीं पता कि किस दिन चैप्टर कौन सा होगा वो सारा का सारा शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है प्लीज एक बार जाके टेलीग्राम देख लेना वहां आपको पता लग जाएगा कि किस दिन चैप्टर कौन सा होगा वो सारी बातें मैंने डाली हुई है ठीक है इधर देखना ध्यान से बच्चा कह रहा है सर गर्मी नहीं लगेगी आपको लगने तो मेरे को क्या गर्मी मुझे लगेगी लग, लग, लगने गर्मी लगने के लिए होती है इधर देखो ध्यान से याँपे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए सबसे पहले बात स्टूडेंट दरबार नंबर सेशन नंबर टू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन नंबर वन कल हमारा था डाउट सेशन का अच्छा उसमें कई नालायक बच्चे ये कह रहे थे कि डाउट सेशन में सर हम तो ऐड हुए नहीं तो सर ने ना प्रीमियम बच्चों को ऐड किया होगा मतलब हाँ जैसे मैंने हर बच्चे से ना सौ सो रुपए लिए थे हर बच्चे से सौ सो सौ रुपए लिए थे कि आप यहाँ पे ऐड हो जाओ नायक सर सबके लिए वो फ्री था उसमें सो बच्चे ऐड हो सकते हैं कई बच्चों को पता होगा गूगल मीट के ऊपर लिमिट होती है सो बच्चों की अब सो बच्चों से ऊपर ऐड ही नहीं हो सकते तो मैंने अप्रोक्सीमेट काफी सारे बच्चों के डाउट्स लिए थे जिन बच्चों के डाउट्स पेंडिंग है मैंने कहा था अगली बार टाइम पे आ जाना नहीं तो मैं हफ्ते के बीच में कभी भी डाउट सेशन अनाउंस कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे आप सारे लेना टेंशन मत लेना तो आपके सिंगल सिंगल डाउट्स मैं सोल्व करूंगा उसके आप टेंत दो मेरी है और कराने की भी मेरी है जी अब जो मैंने एक घंटे में इनकम टैक्स रेगुलर बैच में कंप्लीट किया था ना उसको मुझे चौबीस घंटे में रिवाइज कराना है मतलब मेरे इस बार एट्टी लेक्चर लगे हैं जी सिक्स वन सिक्सटी लगे हैं तो जो एक घंटे तो में इनकम टैक्स मैंने क्लास में कंप्लीट किया अब वो चौबीस आवर्स में कैसे रिवाइज करेंगे आप भी हैरान हो जाओगे मतलब आप वाकई कहोगे सर मजा आ गया रिवीजन हो भी गई और पता भी नहीं लगा कि 24 घंटे में पूरा इनकम टैक्स हो गया और वो कैसे रिवीजन करेंगे आप उसकी टेंशन मत लो जी वो मैं अपने आप करवा दूंगा अच्छा बस एक बात और ध्यान देना दो मिनट आपके मैं और लूंगा फिर मैं रिवीजन क्लास के ऊपर आ रहा हूँ सिर्फ दो मिनट आपके और लूंगा सबसे पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा फिजूल की चैट नहीं करेगा जब रिवीजन क्लास चल रही है रिवीजन क्लास चल रही है अपना फोकस पूरा यहाँ पे लेकर चलो अगर किसी बच्चे को डाउट्स आ रहे ना चैट बॉक्स के अंदर मत डालना मैं दोबारा कह रहा हूं अगर किसी बच्चे को डाउट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर मत डालना जो भी आपके डाउट्स हैं आप लिखते जाओ साइड में लिख लो जितने भी आपके डाउट्स होंगे डाउट सेशन में या अगली क्लास में आने से पहले आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा बट वो वीडियो खत्म होने के बाद डालना या तो अगली क्लास से पहले या जब भी आपके डाउट सेशन होंगे वहां पे आके पूछ लेना आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा लाइव सेशन के अंदर चैट बॉक्स में मत डालना बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे तो ये बस थोड़ी बहुत बातें आपने मेरी माननी है अगर आप मानने को तैयार हो तो रिविजन क्लास स्टार्ट करूँ फटाफट चैट बॉक्स में लिखो यस यस लिखो जल्दी लिखो जल्दी अगर आप सारी बातें मानने को तैयार हो तो मैं रिविजन क्लास फिर स्टार्ट करता हूँ करूँ जी बच्चा कह रहा है जल्दी करो सर चलो इधर देखो ध्यान से अरे जीएसटी की रिवीजन क्लास 18 घंटे की जो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है आपने वही देखनी है साथ में अमेंडमेंट क्लास देख लेना जीएसटी की उससे बेस्ट रिवीजन क्लास नहीं हो सकती ये बात ध्यान देना तो मैंने जीएसटी ऑलरेडी अठारह घंटे का डाला हुआ है उसको आपने देख लेना इनकम टैक्स जो है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इधर देखो ध्यान से अब अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ ना सर आज हमें चैप्टर नंबर वन की रिविजन करनी है और जो मैं इनकम टैक्स की रिविजन कराऊंगा मैं करवाऊंगा कहाँ से जो मेरे वर्किंग नोट्स हैं मतलब जो मेरे क्लास के नोट्स हैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे मैं रिविजन कराऊंगा अब बच्चा कह रहा है सर ये आप हमें बुक नहीं दे सकते ये बुक मैं आपको दे दूंगा कैसे दूंगा कब दूंगा वो आपकी परफॉर्मेंस पहले मैं चेक करूंगा मतलब मुझे परफॉर्मेंस पता लगेगी कि भाई कितने बच्चे रिवीजन क्लास देख रहे हैं सही तरह से देख रहे हैं कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर आपका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया होगा ना आने वाले हफ्ते में बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट करूंगा आप भी वाकई कहोगे सर कमाल कर दिया आपने बट उससे पहले मुझे पता लगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है

इससे पहले एक बात मैं सोच के बताना सर अब जो भी हमारे सिलेबस में टैक्स है वो टैक्स कितनी तरह का है जी आप सब जानते हो टैक्स हमारे सिलेबस में दो तरह का है या तो वो होगा डायरेक्ट होगा या वो होगा इनडायरेक्ट होगा एक बच्चा कहते हैं सर डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मैंने कहा डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे आएगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा सर इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा अगर बर्डन किसी दूसरे पर्सन पर आएगा वो क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट बन जाएगा तो आप सब जानते हो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स भी है हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स भी है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया अब सबसे मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं वो तो मुझे पता है है बट टैक्स का मतलब है? क्या क्या आप में कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो मुझे टैक्स का मीनिंग बता दे अच्छा एक बात में सोच के बताना क्या टैक्स की पेमेंट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है एक बच्चा कहता है सर मेरा ना मन नहीं कर रहा मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना क्या ये काम चलेगा मतलब ही पैदा नहीं होता सर अगर आपने इनकम कमाई है और इनकम एक्सम्सल लिमिट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ये बात कहते कि आपको देना है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है बट हर कंपलसरी पेमेंट टैक्स में कवर नहीं होगी ये बात ध्यान देना और ये बातें सर हमने क्लास में कई बार पढ़ ली हैं इस पे टाइम में ज्यादा नहीं लगाऊंगा याद करो मैंने कहा था टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है और हर कंपलसरी पेमेंट टैक्स में कवर नहीं होती वही कंपलसरी पेमेंट टैक्स में कवर होगी जो पे करोगे गवर्नमेंट को किसी एक्ट के बेस पे किसी लॉ के बेस पे तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि आज जो आप इनकम टैक्स पे करते हो क्यों पे करते हो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है आज जो आप जीएसटी पे करते हो क्यों पे करते हो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है आज आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो क्यों पे करते हो कस्टम एक्ट में लिखा है तो पहली बात तो ये कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि टैक्स पेमेंट कौन सी है ऑप्शनल है या कंपलसरी है कंपलसरी है और अगर वो ये बोले क्या हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है आंसर इज नो वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स बनेगी जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे किसी एक्ट के बेस पर किसी लॉ के बेस पर उसी को टैक्स का नाम देंगे और किसी को टैक्स का नाम नहीं देंगे तो देखो जी यहां पे क्या लिखा हुआ है इन एक बार रीड करना फटाफट से क्या लिखा है ए टैक्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो अब एक लैटिन वर्ड है टैक्सो so, वहां से टैक्स इंसर्ट हुआ

याद करो हमने क्लास में ना एक चैप्टर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपको ध्यान आ रहा हो उसमें हमने काफी सारे आर्टिकल किए थे और मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर टू सिक्स है मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर एक बात में सोच के बताना मेरे हाथ में ना ये सौ रुपए का नोट है आपको दिख रहा है ये नालायक का एक बच्चा खींच रहा है ऐसे कह रहा कह रहा है सौ रुपए का नोट मेरे को दे दो अरे लैपटॉप मत तोड़ देना मोबाइल मत तोड़ देना ये सौ रुपए का नोट मेरे हाथ में है उस तरफ आपने मेरे को दिख रहे कैमरा सामने अब सोच समझ के बोला मेरे हाथ में सौ रुपए का नोट है अब अगर मान लो मेरे हाथ में सौ रुपए का नोट है मान लो ये सौ रुपए की इनकम है अब अगर मेरे हाथ में सौ रुपए की इनकम है तो क्या गवर्नमेंट बिना एक्ट के टैक्स मुझसे कलेक्ट कर सकती है मतलब ये पैदा नहीं होता सर मैंने आपको पहले भी कहा था आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव बात कहता है नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि कोई भी टैक्स ना तो लगेगा ना ही कलेक्ट होगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा तो पहली बात तो ये समझ लो आपके एग्जाम में MCUs में क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि नो टैक्स बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ये लाइन किस आर्टिकल में लिखी है आर्टिकल नंबर टू में और मेरे नोनू मेरे सोनू मेरे बैंगनी मेरे महरून कलर के बच्चे बस इतनी बात ध्यान देना कि जब तक एक्ट नहीं बनेगा ना बिना एक्ट ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई कलेक्ट होगा

टैक्सेस की नीड क्या है आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आज जो गवर्नमेंट की एजुकेशन है आज मिलिट्री के पास पैसा जा रहा है डिफेंस के अंदर पैसा जा रहा है ये पैसा कहाँ से आ रहा है टैक्स से आ रहा है ठीक है जी तो बस एक बार आपको रीड करना है कि जो पैसा मनी मतलब जो गवर्नमेंट पैसा रेज करती है टैक्स से उससे गवर्नमेंट क्या करती है पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है एजुकेशन में लगाती है हेल्थ में लगाती है मिलिट्री में लगाती है और पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी डिफेंस में तो यहाँ पे पैसा आपको लगता है बस ये पास ध्यान देना ठीक है तो तक मैंने सिर्फ दो बातें छोटी छोटी की हैं पूरी क्लास अगर मेरी बात समझ में क्या है, वो आपको बता दिया। तीसरी बात, की नीड क्या है वो आपको बता दी हैं उससे पहले डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी इधर सुना ध्यान से अब यहां से ना आपकी मेन रिवीजन स्टार्ट हो रही है अब जितने बच्चे अभी तक बातें कर रहे थे साक्षी रोहित ये मुकेश ये क्या नाम है आपका रिया ये कई नाइक बच्चे हैं जो अभी तक बातें कर रहे थे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने बच्चे बातें कर रहे थे बातें करनी बिल्कुल बंद कर दो और अगर कोई दोस्त रिवीजन क्लास में अभी ऐड होना चाहता उसको बता दो अब यहाँ से रिवीजन क्लास मेन स्टार्ट हो रही है क्योंकि अभी तक बेसिक बातें थी वो आपको पहले भी पता होंगी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब मेन बात यहाँ पर ध्यान देना सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं मुझे नहीं पता बट मेरे को इतना पता है कि आपने इनकम टैक्स में ना एक बात तो जरूर पढ़ी होगी कि इनकम टैक्स में आपके पांच हेड होते हैं क्या पूरी फैमिली में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे बोल दे कि पांच हेड कौन कौन से होते हैं जल्दी बोलो पांच हेड कौन कौन से होते हैं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स एक बार दोबारा बोलना सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल अदर सोर्स जो है याद करो सेक्शन फिफ्टीन से लेकर सेवनटीन तक चलता है हाउस प्रॉपर्टी बाईस से लेकर सत्ताईस तक चलेगा पीजीपी जो होगा ट्वेंटी एट से लेकर फोर्टी फोर डीबी तक जो सेक्शन होंगे वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे कैपिटल गेन 45 से लेकर 55 ए तक जो सेक्शन होंगे यात्रो क्लास में कहा था वो कैपिटल गेन के होंगे और 56 से लेकर 59 तक के जो भी सेक्शन होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे अदर सोर्स के इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अब एक बच्चा ये बात कहता है सर सर मैंने कहा हाँ हाँ कहते हैं सर जब आपने हमें सैलरी कराया था ना तो आपने हमें कहा था कि सैलरी का सेक्शन पंद्रह जो है चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का कहा बिल्कुल सही बात है हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन ट्वेंटी था चार्जिंग सेक्शन पीजीपी के अंदर सेक्शन ट्वेंटी एट था चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन में सेक्शन फोर्टी फाइव था चार्जिंग सेक्शन अदर सोर्स में सेक्शन फिफ्टी सिक्स था चार्जिंग सेक्शन अब ये मैं चार्जिंग सेक्शन क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब हम पांच हेड की रिवीजन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा इन चार्जिंग सेक्शन के बिना वो चैप्टर समझ में ही नहीं आते अब वो पांच हेड अलग हैं उन पांचों हेड के चार्जिंग सेक्शन अलग हैं और जो मैं आर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं वो सेक्शन बिल्कुल अलग है सेक्शन नंबर फोर सर एक बार सेक्शन नंबर फोर की ना अगर आप मेरे को कुछ मानते हो एक बार सेक्शन नंबर फोर की बस हेडिंग बोल दो हेडिंग क्या लिखी है ऐसे नहीं सर पूरी क्लास बोलेगी पूरी क्लास सेक्शन नंबर फोर की हैडिंग क्या लिखी है चार्जिंग सेक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट यार बोलो ना क्या लिखा है चार्जिंग सेक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट या चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स मतलब सेक्शन फोर ये बात कहना चाह रहे हैं कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही उस पर्सन पर एप्लीकेबल होगा जो सेक्शन फोर में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा सर सेक्शन फोर ये नहीं कह रहा कि चैप्टर वन किस पर लगेगा सेक्शन फोर ये नहीं कह रहा चैप्टर टू किस पर लगेगा सेक्शन फोर ये नहीं कह रहा पांच हेड किस पर लगेंगे सेक्शन फोर ये भी नहीं कह रहा डिडक्शन किसको मिलेगी सेक्शन फोर तो ये बात कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट किस पर लगेगा इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन अगर सेक्शन फोर की कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा अगर भगवान श्री किस भी धरती पर आ जाए ना वो भी बोले कि इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा उनको कह देना आप झूठ बोल रहे हो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा क्योंकि सेक्शन फोर इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट मैं दोबारा बोलूंगा जी सेक्शन फोर इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट ये बात हमने क्लास में काफी डिटेल में की थी और मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे मैं एक बार दोबारा से बोल दूं आज अगर पूरे वर्ल्ड में चाहे वो इंडिविजुअल है एच है कंपनी है फर्म है एओपी है बीवाई है अगर किसी पर भी इनकम टैक्स लगाना है सेक्शन फोर पहले पढ़ लेना कई नालायक बच्चे होते हैं पूरा इनकम टैक्स कर दिया उन्हें यही नहीं पता चार्जिंग सेक्शन क्या है उन्हें यही नहीं पता कि कहां लिखा है इनकम टैक्स एक्ट लगेगा उन्हें यही नहीं पता इनकम टैक्स एक्ट किस पे लगेगा उन्हें यही नहीं पता कि इनकम टैक्स एक्ट लगता क्यों है बस उनको ये पता है सैलरी है हाउस प्रॉपर्टी है पीजीपी है कैपिटल अदर के सोर्स है उनके चार्जिंग सेक्शन उनको ये नहीं पता कि पूरे इनकम टैक्स का भी एक चार्जिंग सेक्शन सेक्शन है नंबर और अगर किसी पर्सन पर, पर सेक्शन फोर की कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इनकम टैक्स एक्ट पड़ूंगा अगर सेक्शन फोर से बाहर हो जाएगा तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी अब मैं यहां पे ना स्पीड फास्ट करके नहीं चलूंगा अगर मैं चाहता चैप्टर वन मैं डेढ़ घंटे में रिवाइज करवा देता मैंने चैप्टर में घंटे घंटे क्यों लगाए हैं क्योंकि मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि चैप्टर पूरे इनकम टैक्स का बेस है और भर भर के छोटी मोटी नहीं भर भर के अमेंडमेंट्स आई हैं इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं मेरा दिल पता नहीं क्यों बार बार कह रहा है कि जून के एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वन के देखने को मिलेंगे और अमेंडमेंट वाले देखने को मिलेंगे तो सर बहुत ध्यान से पढ़ना मैं आराम से चलूंगा मुझे अभी ये लगा लो अब मैं रिवीजन क्लास नहीं अब मैं नॉर्मल मोड में आ गया हूं हाँ रेगुलर क्लास के मोड में नहीं बट एक नॉर्मल मोड में ताकि पूरी फैमिली अगर जिसने पहले नहीं भी पढ़ो उसको समझ में आ जाए बट उससे पहले यह समझो सेक्शन फोर आपको बताता क्या सेक्शन फोर ये बताता है एक बच्चा मेरे पास आया कहता है सर मैंने कहा कहता है सर मेरे पापा ना इंडिविजुअल हैं तो क्या मेरे पापा पर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा दूसरा बच्चा कहता है सर मेरे पापा की कंपनी है क्या उस पर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा

क्या लिखा है एवरी पर्सन हूज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एवरी पर्सन हूज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड दिच इज नोट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एंड एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हाउ एवर हिज टोटल इनकम शेल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया आया कुछ समझ में किसको समझ में आया जी? मेरे सामने इतने बच्चे बैठे हैं एक बार कई नलायक बच्चे तो रहे हैं, हमें नहीं पता, ये तो आपने क्लास देख लेंगे चलो सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा चलो मैं कह रहा हूँ बढ़िया हो जाएगा बट कम से कम कुछ तो पार्टिसिपेट करो चलो छोड़ो मैं आपको बताता हूँ मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जितने बच्चे सामने बैठे हैं सेक्शन फोर पढ़ के क्या लगा सोच के बोला सेक्शन फोर पर क्या लगा कि इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स जो है क्या इंडिविजुअल पर लगेगा एच पर लगेगा कंपनी पर लगेगा फर्म पर लगेगा या हर पर्सन पे पर लगेगा किस पे लगेगा हर पर्सन पे पर लगेगा मुझे यही आपसे उम्मीद थी मुझे पता था आप नलायक हो एक बात मैंने सोच के बताना यार एक बात सोच के बताना आपने मुझे बोला कि इनकम टैक्स जो है हर पर्सन पे पर लगेगा आपको कैसे पता हर पर्सन पे पर लगेगा सर आपने मुझे भी क्या बोला कि इनकम टैक्स हर पर्सन पे लगेगा ना तो आपने कैसे बोला हर पर्सन पे लगेगा बच्चा कह रहा है यार कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो कि लिखा तो है सेक्शन फोर एवरी पर्सन एक बात मैंने सोच के बताओ ना लायकों एवरी का मतलब तो हर होता है पर्सन में सब लोग कवर होंगे ये तुम्हें कैसे पता सर हम पहले इनकम टैक्स पढ़ के आए हमें पागल मत समझना हमने एक बार पहले पढ़ा हुआ है और पर्सन के डेफिनेशन में सब लोग कवर होते हैं वो बात अलग है बट कई नालायक बच्चे हैं वो पता क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि एवरी पर्सन लिखा है तो एवरी पर्सन पे लगेगा जो बिल्कुल गलत सोचते हैं सर एवरी का मतलब तो हर है मैं दोबारा बोलूंगा जी एवरी का मतलब तो हर है पर्सन में सब लोग कवर होंगे वो कब पता लगेगा जब पर्सन के डेफिनेशन पढ़ लेंगे क्योंकि क्या पता पर्सन के डेफिनेशन में लिखा हो पर्सन मीन ओनली इंडिविजुअल अगर पर्सन मीन्स ओनली इंडिविजुअल लिखा तो सेक्शन फोर इंडिविजुअल पे चुकी है कि है, ये है। तो मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपको मैं दिखा देता हूं देखो पर्सन की डेफिनेशन जो है सेक्शन नंबर टू में है और नीचे दी हुई है पर्सन इंक्लूड्स सोच समझ के बोलना पर्सन इंक्लूड्स पर्सन इंक्लूड्स मतलब क्या जल्दी बोलो पर्सन इंक्लूड्स मतलब क्या पर्सन में ये ही लोग कवर होंगे या ये भी लोग कवर होंगे पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे सर अगर पर्सन मीन्स वर्ड लिखा होता ना तो मीन्स का मतलब होता है एग्जोस्टिव अच्छा मैं कई बच्चों से क्लास के अंदर पूछता हूं मैं कहता हूं मीन्स का मतलब क्या है मतलब है मैंने कहा मीन्स का मतलब क्या है मतलब है मैंने कहा मीन्स का मतलब क्या है मतलब है नालायक सर मीन्स का मतलब पहली बात मतलब नहीं होता मीन्स का मतलब होता है एग्जोस्टिव और अगर इंक्लूड्स वर्ड है दैट इज इंक्लूसिव अगर यहां लिखा होता पर्सन मीन्स उसका मतलब होता पर्सन में यही लोग कवर होंगे जो नीचे दिए हैं बट अब इसका मतलब है पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे और भी लोग कवर हो सकते हैं तो आप समझ पा रहे हो मतलब गवर्नमेंट ने अपनी सेफ साइड रखी है गवर्नमेंट करिए भैया जो जो लोग हमें याद थे वो तो लिख दिए जो लोग हमें याद नहीं थे ना वो भी कवर हो जाएंगे क्योंकि पर्सन इंक्लूड्स है एक बच्चा कुछ ही घंटों के बाद सीएस बनने वाला है जी आप में से अब सारे बच्चे जून में एग्जाम निकालेंगे मुझे पता है मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर अगर आप नहीं निकालोगे मैं निकलवा के रहूंगा चाहे मेरे को जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए आपके लिए ये ना मेरी बातें मजाक में समझा करो सर अगर आप मैं दिल चीर के दिखा दूंगा ना दिल के एक एक कोने में मेरी सीएस की फैमिली का बच्चा बैठा हुआ है सीए वाले कह रहे हैं हम अरे आप तो मेरा दिल लो सीएमए वाले कह रहे हैं हम आप भी मेरा दिल लो सारे मेरे दिल हैं बट सीएस की फैमिली से थोड़ा स्टार्टिंग से प्यार है तो उनके लिए अलग प्यार है ठीक है बच्चे तो सारे मेरे दिल से जुड़े हुए हैं अब सोच के बोलना जी मैं कहना क्या चाह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना अब यहां पे लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स मैंने क्या बोला कि पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे अब मान लो एक बच्चा सीएस बन गया सीएस बन गया एक क्लाइंट उसके पास आया तो क्लाइंट ने बोला सर सर तो उसने बोला हाँ कह रहे सर एक बात मुझे बताना कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा उस बच्चे ने रट लिया था कि में ना ये दस लोग कवर करके होते हैं। ऐसे चश्मा नीचे करके कहता आ, हाँ भाई इस दस लोग में तू तो कवर नहीं हो रहा तेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि इस दस में तू कवर नहीं है अब सोच समझ के बोलना जब उसने बोला इस दस में तू कवर नहीं है तो क्या उसने सही बोला उसने गलत बोला सर अगर पर्सन मीन्स वर्ड लिखा होता फिर वो सही था पर्सन इंक्लूड्स लिखने की वजह से वो गलत हो गया सर बातें सिर्फ वर्ड की हैं बातें सिर्फ वर्ड की अगर मेरे पास टाइम होता ना हमको दिखाता रियलिटी होती क्या लो पढ़ने की तो पर्सन मीन्स होता तो बात अलग होती पर्सन इंक्लूड्स है तो बात अलग है तो इंक्लूड्स का मतलब क्या है पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे और भी लोग कवर हो सकते हैं सर क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव है एग्जोस्टिव नहीं है फटाफट से बोल दो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी एमसी के अंदर जल्दी बोलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि है, है। है, है, क्योंकि वर्ड क्या इंक्लूड्स है अब पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल अच्छा इंडिविजुअल कौन से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों दोनों माइनर मेजर दोनों दोनों उसके बाद जी मेल फीमेल दोनों दोनों क्योंकि वर्ड क्या लिखा है इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो गया एच हो गया कंपनी हो गया फर्म हो गया इंक्लूडिंग एल एल पी एपी बीओवाई एवरी लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल सब लोग पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे अब एओपी का मतलब क्या होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें इंडिविजुअल भी कवर होंगे अदर देन इंडिविजुअल भी कवर होंगे और बीओ का मतलब क्या है नाम से ही पता लग रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल कवर होंगे इंडिविजुअल के अलावा कोई भी यहां पे कवर नहीं होगा ठीक है अब बच्चा ये बात कहता है सर मैंने कहा कहता सर अब तो सेक्शन फोर सब पे लगेगा ना मैं कहा अब सब पे लगेगा बट हां अगर आप ये बोलते कि एवरी पर्सन लिखा है इसलिए सब पे लगेगा तो उस बात को नहीं मैं मानता अब आप ये बोल रहे हो कि पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग कवर होते हैं इसलिए सब पे लगेगा अब आपकी बात मान रहा हूं क्योंकि सर ये पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप रटके चलोगे तो देखने से लग रहा है एवरी पर्सन सब पे लगेगा अगर समझ के चलोगे तो पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग कवर होते हैं इसलिए सेक्शन फोर जो है वो हर पर्सन पे लगेगा ठीक है आगे देखो फिर एवरी पर्सन हुज टोटल टोटल इनकम इनकम अब ये टोटल का मतलब क्या है मुझे फटाफट से बोल देना जी आपकी इनकम की दो कैटेगरी होती है एक तो होती है ग्रोथ टोटल इनकम एक होती है टोटल इनकम कोई मुझे बताएगा ग्रोथ टोटल इनकम कैसे निकलती है कोई मुझे बताए ग्रोथ टोटल इनकम कैसे निकलती है पांच हेड की इनकम याद करो पांच हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉसेस क्या निकल के आएगा ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगा और उस ग्रोस टोटल इनकम में से जब मैं चैप्टर सिक्स से की डिडक्शन माइनस कर दूंगा सेक्शन एट्टी सी से लेकर एट्टी यू तक की डिडक्शन माइनस कर दूंगा आपकी निकल के आएगी टोटल इनकम तो यहां पे टोटल इनकम वर्ड लिखा है ग्रोस टोटल इनकम वर्ड नहीं लिखा तो अगर किसी पर्सन में इनकम टैक्स लगाना है तो पहले उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी टोटल इनकम निकालनी होगी फिर इनकम टैक्स लगेगा ग्रोस टोटल इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता बस ये बात ध्यान देना और ये बात मैं नहीं कह रहा सर ये बात सेक्शन फोर में लिखी है तो कई बच्चों को ना यही नहीं पता होता उनको ये तो पता है कि हम टोटल इनकम पे टैक्स लगाते हैं उनको ये नहीं पता क्यों लगाते हैं क्योंकि सेक्शन फोर में लिखा है उनको ये तो पता है टोटल इनकम कैसे निकलती है उनको ये नहीं पता कि टोटल इनकम कहां निकालनी होती है क्योंकि सेक्शन फोर ये बात कह रहे हैं सेक्शन फोर में साफ साफ लिखा है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम मतलब किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे उस पर इनकम टैक्स की बात करोगे ग्रोस टोटल इनकम पे इनकम टैक्स की बात नहीं करोगे तो एवरी पर्सन द प्रीवियस ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर लो जी मुझे फटाफट सोच के बताओ जी जल्दी बोलो इधर देखो ध्यान से हेलो मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो फटाफट से बताओ रही इनकम टैक्स में आपके दो ईयर होते हैं कौन कौन से एक तो प्रीवियस ईयर और एक क्या होता है असेसमेंट ईयर ईयर फटाफट से बोल दो प्रीवियस का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ प्रीवियस ईयर मीन क्या होता है पिछला साल वेरी गुड प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल सालय को मेरा गलत गया समझाते समझाते और सेशन में इतने सारे के ऊपर भी कई बार डाल चुका प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम कमाने वाला साल सर जिस भी साल आप इनकम कमाओगे उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं और जिस भी साल आप टैक्स पे करोगे उसको आप असेसमेंट ईयर बोलते हो तो पहली बात तो मेरी फैमिली का बच्चा जो रिवीजन करने के लिए बिहार ना आज के बाद कभी ये नहीं बोलेगा कि प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल होता है सर इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब साल नहीं होता और इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता और ईयर का मतलब साल नहीं होता बच्चा कह रहा है मतलब मतलब प्रीवियस का मतलब तो पिछला होता है ना होता होगा बट इनकम टैक्स में नहीं होता इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मींस कि जिस भी साल तुम इनकम कमाओगे ना वो ईयर तुम्हारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा सर एक बात मैं सोच के बताना आज हमारी तारीख क्या है आज हमारी तारीख क्या है जल्दी बताओ ना आज हमारी डेट क्या है आज हमारी डेट है बारह अप्रैल दो ये बात क्लियर है ये साल हमारा स्टार्ट कब हुआ था जी ये साल हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वन को और ये साल खत्म कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू को ये मेरा साल खत्म होगा अच्छा ये साल को मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा ट्वेंटी टू बोल सकता हूँ ट्वेंटी टू बोल सकता हूँ सोच के बोला क्या ये साल मेरा अभी चल रहा है या साल मेरा खत्म हो चुका है साल मेरा चल रहा है ना इनकम टैक्स में इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर मतलब इस साल में इस साल में मैं जो भी इनकम कमाऊंगा ना ये साल मेरा प्रीवियस ईयर है अब जो रटने वाले बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं प्रीवियस मतलब पिछला जो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं सर इनकम टैक्स में प्रीवियस मतलब पिछला नहीं होता इनकम टैक्स में प्रीवियस मींस जो साल चल रहा है जिस टाइम इनकम कमा रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर है तो आज मेरे छोटे छोटे से बच्चों एक बात में सोच के बताना आज 12 अप्रैल है अभी ये साल मेरा चल रहा है ना तो इस साल में जो इनकम कमाऊंगा तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या बनेगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन बनेगा जो मेरा साल चल रहा है ठीक है और हमारे एग्जाम के लिए ध्यान रखना आप सबके एग्जाम जून में है आप सबके एग्जाम मई में, में है कुछ बच्चों के दिसंबर के अंदर भी होंगे तो मतलब पिछला साल बोलना अब बच्चा कहते हैं सर आपने ना भी एक बात बोली थी कि इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता चलो मान लिया बट ईयर का मतलब साल क्यों नहीं होता भाई ईयर का मतलब तो साल होना चाहिए ना नहीं एक बात में सोच के बताना सर एक बात में सोच के बताना अगर मान लो आपके फादर साहब ने मान लो आपके पापा ने बिजनेस सेटअप किया मान लो फॉर एग्जांपल 16 सितंबर 2020 को अब अगर आपके फादर ने बिजनेस सेटअप किया 16 सितंबर 20 को तो क्या पापा का प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करोगे या 16 सितंबर से 16 सितंबर से 16 सितंबर से लेके 31 मार्च क्या पूरा साल बन गया आंसर इज नो तो आपने कैसे कह दिया ईयर का मतलब साल होता है आ, सर बात तो आप सही कह रहे हो सर बातें छोटी छोटी हैं बातें छोटी छोटी हैं मैंने कहा था कि मैं रिवीजन में थोड़ा फास्ट लेके चल सकता हूँ बट मैं चैप्टर वन में फास्ट लेके नहीं चलूंगा क्योंकि चैप्टर वन पूरे इनकम टैक्स का बेस है तो पहली बात तो यह समझो कि प्रीवियस ईयर मीन इनकम कमाने वाला साल और दूसरी बात प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता ईयर का मतलब साल नहीं होता प्रीवियस ईयर मतलब जिस टाइम इनकम कमाओगे वो साल तुम्हारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा और ये साल बारह महीने का भी हो सकता है बारह महीने से कम भी हो सकता है और ये बातें अपने क्लास में पढ़ी है जी प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट करते हो यार आपको आंसर देना चाहिए आप चाहे चैट बॉक्स के अंदर मत दो बट घर बैठे बैठे बोलोगे तो मजा आएगा एक बच्चा देखो सोने की तैयारी कर रहा है ऐसे कर रहा है और मुझे लग रहा है पता नहीं हाँ हाँ कर रहा है नालायक मतलब ऐसे क्या मैं लोरी सुना रहा हूँ मतलब मेरी तो आवाज इतनी तेज है मुझे लगता है कानों में चुभती होगी आपके बच्चा सो रहा है यहाँ पे उठाओ इसको फटाफट से उठाओ नालायक को पानी गेरे उसके ऊपर हाँ बताओ जी फटाफट से मुझे सोच के बताओ प्रीवियस का मतलब पिछला होगा आंसर इज नो ईयर का मतलब साल होगा आंसर इज नो तो प्रीवियस ईयर मीन्स इनकम कमाने वाला साल असेसमेंट ईयर मीन्स टैक्स देने वाला साल अब प्रीवियस ईयर बारह महीने का भी होगा बारह से कम भी होगा वो डिपेंड करता है कि बिजनेस सेटअप कब किया है एक बच्चा कहता है सर मैंने कहा हाँ कहता है सर मेरा ना एक क्वेश्चन है मान लो मेरे फादर ने ना जैसे आपने अभी बोला कि मेरे फादर ने बिजनेस सेटअप किया मान लो मेरे सेटअप किया 16 सितंबर 2020 को और मेरे फादर ने बिजनेस कमेंस किया मान लो पंद्रह अक्टूबर दो को तो अगर पापा ने बिजनेस सेटअप किया 16 सितंबर को और बिजनेस कमेंस किया 15 अक्टूबर को तो मेरे पापा का प्रीवियस ईयर जो है वो स्टार्ट कहां से होगा प्रीवियस ईयर हो बिजनेस सेटअप से, से कमेंसमेंट से नहीं होगा ये बातें आपने क्लास में पढ़ी है याद करो यस या नो यस तो हमेशा यह बात देना बिजनेस सेटअप की डेट से स्टार्ट करोगे कमेंसमेंट से नहीं करोगे सर एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा आपको वो सेटअप भी देगा कमेंसमेंट भी देगा बच्चा कहेगा मैं लूं तो लूं क्या हाँ अगर सिर्फ कमेंसमेंट दी है अगर सिर्फ कमेंसमेंट दिया तो कमेंसमेंट कमेंसमेंट को ही सेटअप 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 ईयर स्टार्ट स्टार्ट कर लो। बट अगर अगर भी भी है भी है फिर करोगे से। और अगर दी ही सेटअप है फिर सेटअप सेटअप से करोगे। और अगर कुछ भी नहीं कहा ना है, ना है तो है तो कमेंसमेंट आपकी जानकारी के लिए बता दू प्रीवियस एक दिन का भी सर एक दिन का कैसे होगा एक दिन का ऐसे होगा अगर किसी पर्सन ने बिजनेस सेटअप किया 31 मार्च 2021 को तो अगर बिजनेस सेटअप ही 31 मार्च 21 को किया तो 31 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 21 तक मेरा प्रीवियस ईयर होगा एक दिन का होगा मतलब जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया सेम डे ही वो साल खत्म हो जाएगा क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर ना करता तो इनकम टैक्सेबल ही ना होती तो बात समझ में आ रही है बच्चा कह रहा है बातें तो समझ में आ रही हैं बट ये तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में क्यों दिक्कत आएगी रिवीजन क्लास का मतलब ही क्या है रिवाइज करवाना ना अब मुझे नहीं पता आपने इनकम टैक्स कब पढ़ा होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो जाए कि ये देखो आपने ऐसा पढ़ा था क्योंकि बचपन के दिन थे वो सर और मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों का भी काफी टाइम हो चुका होगा क्योंकि इनकम टैक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था तो उनको भी बेचारे बस्ता लेके आते थे छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको भी याद नहीं होगा पता नहीं याद है नहीं है और अगर याद आ रही है तो अप्रिशिएट कर लेना अपने आप ऐसा कर देना कि हाँ वाक्य आपको याद है जिन बच्चों को याद नहीं है याद करने की कोशिश करो नहीं तो याद तो करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे फटाफट से बोल दो जी पहले बताओ सेक्शन स्टार्ट हमने कौन सा किया हुआ है जल्दी बोलो सेक्शन स्टार्ट हमने कौन सा किया हुआ है सेक्शन नंबर फोर क्या हेडिंग क्या है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स अब मुझे फटाफट से बोलो इनकम टैक्स किस पे लगेगा इंडिविजुअल पे एच पे एओपी पे बीओआई पे कंपनी पे हर पर्सन पे हर पर्सन पे अच्छा हर पर्सन पे इसलिए लगेगा कि एवरी पर्सन लिखा हुआ है या इसलिए लगेगा कि पर्सन में सब लोग कवर होते हैं बोलो 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 हर पर्सन पे इसलिए लगेगा कि एवरी पर्सन है या पर्सन में सब लोग कवर होते हैं पर्सन में सब लोग कवर होते हैं इसलिए एवरी पर्सन का मतलब होता है सब पे लगेगा दूसरी बात बताओ जी

ठीक है तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आएगा असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बस ये पर ध्यान दो तो, तो प्रीवियस ईयर इनकम कमाने वाला साल बन गया असेसमेंट ईयर मीन क्या हो गया टैक्स देने वाला साल हो गया ये बात क्लियर हो गई पक्का पक्का तो आपने अगर अपने नोट्स आपके पास होंगे तो वहां पे सारी बातें लिखी होंगी कि प्रीवियस ईयर बिजनेस सेटअप से स्टार्ट से होगा बारह महीने का भी होगा बारह से कम भी होगा कमेंसमेंट से स्टार्ट नहीं करोगे कमेंसमेंट की डेट हमारे किसी काम की नहीं होती बट अगर क्वेश्चन में कमें कमेंसमेंट की डेट दी है तो से वही सेटअप की डेट मान के वहीं से ईयर स्टार्ट करोगे बस ये बात ध्यान देना ये सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करवा दी कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब बातों के साथ अब मैं वापिस आ रहा हूं जी अब इधर देखो ये आपका सेक्शन नंबर फोर था अब इधर सुना ध्यान से

कहते अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जम्पन लिमिट से ज्यादा होगी ना फिर इनकम टैक्स की बात आएगी सेक्शन फोर ने क्या बोला कि अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जाम्शन लिमिट से ज्यादा होगी फिर इनकम टैक्स की बात आएगी एक बच्चा कहता है सर मैंने कहा कहता सर एग्जम्शन लिमिट क्या है ना कहा पहले एक थी अब दो है दिसंबर तक एक थी अब जून में दो हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंसर्ट हो गया सेक्शन 115 वन अब वो ये बात कहता है हर इंडिविजुअल के पास और हर एच के पास ना दो गेट हैं। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने करवाया था आपको गेट नंबर वन और गेट नंबर टू अब दो गेट सामने हैं या तो गेट नंबर वन के पास जाओ या गेट नंबर टू के पास जाओ आज हम बातें करेंगे गेट नंबर वन की जो अमेंडमेंट होंगी वो कल रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे कल का मतलब परसों की रिवीजन क्लास में तो बहुत ध्यान सुनना आज मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो आप में से आधे बच्चों को नहीं आते होंगे सही बता रहा हूं सर मजाक की बात नहीं और ये बुरा मत मानना आज मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आप में से मैं सही बता रहा हूं बच्चों को वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते होंगे बट वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में ही तब आएंगे जब मैं लो जो बोल रहा हूं पहले आप उसको सुन लो अब बच्चा ये बात कहता है सर एग्जामिशन लिमिट जो होती है वो कितनी होती है मैंने कहा दो कैटेगरी हैं या तो है ऑप्शन वन या है ऑप्शन टू ऑप्शन टू का मतलब क्या है सेक्शन 115 वन गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है जो हमने अमेंडमेंट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था तो मैं बातें उसकी नहीं कर रहा उसको हम करेंगे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में अभी बातें कर रहा हूं जो आपने दिसंबर तक पढ़ा है बातें उसकी करते हैं अब बच्चा ये बात कहता है सर हमने तो ना एग्जमिशन लिमिट ना तीन पढ़ी है मैं कहा तीन कैसे पढ़ी है कहता सर या तो एक पढ़ी है ढाई लाख या पढ़ी है तीन लाख या पढ़ी है पांच लाख क्योंकि ये ढाई तीन और पांच तब होगी अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट होगा एज साठ साल से कम होगी लिमिट आपकी ढाई लाख है मैं कहा बिल्कुल सही बात है सर इंडिया का रेजिडेंट है साठ साल उससे ऊपर है लेस देन एटी है लिमिट आपके तीन लाख है मैं कहा बिल्कुल सही है सर इंडिया का रेजिडेंट है और एज जो है वो अस्सी साल उससे ऊपर की है और प्रभु इच्छा तक है उस केस में लिमिट आपकी पांच लाख है मैं बिल्कुल परफेक्ट कहता सर अगर कोई जीजू है मगर जीजू कौन से आ गए अरे सर वो निक जोनस एनआर है अगर कोई एनआर है ना तो उस केस में लिमिट आपकी ढाई लाख होगी उस केस में लिमिट ढाई लाख के अलावा और कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती बहुत बढ़िया इट मीन इतना तो आपको याद है बहुत बड़ी बात है अब अगर मैं टैक्स रेट की बात करूंगा टैक्स रेट क्या होते हैं जी आप सब जानते हो ढाई लाख तक एक्जाम होते हैं ढाई लाख से लेके पांच लाख तक कितने परसेंट पांच परसेंट फिर पांच लाख से लेके दस लाख तक ट्वेंटी परसेंट और अगर इनकम दस लाख से ऊपर होगी तो थर्टी परसेंट लगेगा और सेकंड कैटेगरी में तीन लाख एग्जाम होते हैं तीन लाख से लेके पांच लाख तक फाइव परसेंट अगर इनकम पांच लाख से लेके दस लाख तक होगी बीस और अगर इनकम दस लाख से ऊपर होगी तीस लगेगा अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूंगा इनकम पांच लाख एग्जाम है लाख से लेकर दस लाख तक ट्वेंटी परसेंट और अगर इनकम दस लाख से ऊपर तीस परसेंट लगेगा और एनआर वाले हर केस में वही लिमिट लगेगी जो रेजिडेंट के लेस देन वाले केस में लगती है और ये ये बातें बातें मैं मैं नहीं कह रहा सर ये आपको मैं दिखा देता हूं ये देखो आपकी एग्जाम लिमिट जो है अब यहां पर आपके सामने है मैंने अब यहां पे नोट्स कनेक्ट कर दिया अमेंडमेंट वाले आप चेक कर लो जी अगर कोई इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन नहीं है और सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है उस केस में लिमिट आपकी ढाई लाख ढाई लाख से लेके पांच लाख तक पांच परसेंट पांच से लेके दस तक बीस परसेंट दस से ऊपर तीस परसेंट उसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर तीन लाख एग्जाम है तीन लाख से लेके पांच लाख तक पांच परसेंट फिर पांच से लेके दस तक बीस परसेंट अगर इनकम दस लाख से ऊपर है तो तीस परसेंट और उसके बाद अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो उस केस में पांच लाख आपके एग्जाम है पांच लाख से लेकर दस लाख तक बीस और अगर आप दस लाख से ऊपर की बात करोगे तो तीस लगेगा और अगर मैं एच की बात करूंगा एच हो गया एओपी हो गया बी हो गया उस केस में भी आपकी ढाई लाख की लिमिट अप्लीकेबल होती है

ठीक है बस इन्वर्टर अपना आधा पौना घंटा और साथ दे जाए ठीक है कहीं ऐसा होना कि बीच में बंद ही हो जाए और सारी रिविजन का चलती हुई बंद हो जाए बच्चा कह रहे है, हमारे यहां तो लाइट आ रही है तो हमारे यहाँ भिजवा दो हमारे घर भिजवा दो ना लायक अब इन्वर्टर से चल रहा है वो पंखा मैंने इसलिए नहीं चला रखा घू 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 करता है बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो इसलिए मैंने बंद कर रखा है इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ आप प्लीज ध्यान सुनना चाहिए अब ये जो एग्जम्पन लिमिट है ना ये तो आपने पहले भी पढ़ी थी आज भी पढ़ी है इसमें कोई चेंज नहीं आया एग्जाम्शन लिमिट आपने पढ़ ली मेन मेरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है मेरा मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो आपका टैक्स निकल के आएगा जो भी टैक्स निकल के आएगा पहले तो एक बात डाउट है कि कई नलायक बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जिनको टैक्स निकालना नहीं आता ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है या उस पर टाइम लगाऊं आगे चलूं आगे चलूं वैसे ये मेरे को लग रहा है कि आगे मेरे को चलना चाहिए मेरे वेस्ट नहीं करना चाहिए कई बच्चे कह रहे हैं हे भगवान ग्यारह रुपए का प्रसाद पक्का अगर सर टैक्स निकलवा दे तो इधर देखो ध्यान से न को एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करके बताओ जी मिस्टर ए हैं मिस्टर ए हैं एज उनकी है साठ साल एज उनकी साठ साल है उनकी टोटल इनकम जो है ना प्रीवियस ईयर में उनकी टोटल इनकम जो है प्रीवियस ईयर में मान लो पंद्रह लाख रुपए है मुझे टैक्स निकाल के बताओ विदाउट सेस सेस ऐड मत करना सेस मत करना सिर्फ टैक्स सिर्फ टैक्स निकाल के बताओ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे बच्चों को सही आ जाए नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा आज जल्दी करो फटाफट सोच के बताओ जी कितना टैक्स आ रहा है जी अगर इनकम पंद्रह लाख रुपए है कितना टैक्स आ रहा है मैं भी निकाल लू कितना टैक्स आ रहा है मेरा टैक्स आ रहा है जी मेरा टैक्स आ रहा है दो लाख साठ हजार मेरा टैक्स आ रहा है दो लाख साठ हजार आपका कितना आ रहा है कई बच्चों ने निकाला है दो लाख बासठ हजार पांच सौ कई बच्चे तो कमाल कर गए कमाल हिस्ट्री क्रिएट कर गए साढ़े चार लाख ऐसे हैं कई बच्चे हंसने की बात नहीं है कई साढ़े चार लाख पहले भी होंगे पक्का होंगे वो बता नहीं रहे उनकी बेस्ती ना हो जाए एक बच्चा कह रहा है सर साढ़े चार लाख कैसे भाई चार लाख जो है वो टैक्स कैसे आएगा एक बात मेरे सोच के बताना एक बात में सोच के बताना कई नलायक बच्चे ना कई नलायक बच्चे ये रट के बैठ गए कि अगर इनकम ध्यान सुना अगर इनकम दस लाख से ऊपर होगी तो पंद्रह परसेंट लगेगा एक बच्चा कहता है ओए पागल इनकम पंद्रह लाख रुपए है दस लाख से ऊपर है तो लगा दे तीस परसेंट साढ़े चार लाख रुपए टैक्स उन बच्चों ने निकाले जो नलायक है बिल्कुल गलत है सर अगर इनकम दस लाख से ऊपर होगी तीस परसेंट लगेगा उस इनकम का जो दस लाख से ऊपर है और अगर अभी भी टैक्स निकालना नहीं आ रहा ना ये आप समझ लो एग्जाम में बड़ी दिक्कत आएगी आपको बहुत ज्यादा इवन बहुत ही दिक्कत आने वाली है अगर टैक्स निकालना नहीं आ रहा और जिन्होंने टैक्स निकाला है दो लाख बासठ हजार पांच सौ उन्होंने पता कैसे निकाला है उन्होंने साठ साल को ढाई लाख की लिमिट में कवर कर लिया वही गलती कर दी छोटी मोटी बट छोटी मोटी गलती कर दी एक नंबर तो कट गया ना और वैल्यू एक नंबर की उनसे पूछो जिनके उनतालीस नंबर आते हैं वो आपको बताएंगे वैल्यू एक नंबर की होती क्या है तो सर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो एज आपकी साठ साल है लिमिट आपकी तीन लाख वाली लगेगी एक बार सोच के बोलना ये लो ये पांच रुपए का नोट लो पहले तो आज मैं यार बहुत खुश हूं मैं हर बच्चे को पांच रुपए का नोट देना चाहता हूँ खींच लो फटाफट जल्दी खींचो ये तो उसमें भाग रहा है एक बच्चा तो कह रहा फाड़ दूंगा जल्दी दूर कर लो ना को कैमरा मत तोड़ देना देखो ध्यान से आप सोच के बताना मेरे हाथ में मान लो मेरे हाथ में ये पंद्रह लाख रुपए हैं सर प्लीज बातचीत नहीं यार मेरे हाथ में पंद्रह लाख रुपए हैं अब गवर्नमेंट कह रही विवेक इस पंद्रह लाख ,00 से क्वेश्चन पूछ इस पूछा लाख ,00 से क्वेश्चन पूछ कि ए पूछा लाख ,00 ए लाख ,00 तू दस लाख से कितने ज्यादा है मैं पंद्रह लाख ,00 से क्वेश्चन पूछूंगा ए लाख ,00 बताना ना दस लाख से कितने ज्यादा है अब जितने ज्यादा दस लाख से होगा उसका तीस परसेंट टैक्स लगेगा मतलब अगर इनकम पंद्रह लाख रुपए है दस लाख से पांच लाख ज्यादा है उसका तीस परसेंट लगा दो तो पहले तो मैं क्या करूंगा पांच लाख का अगर मैं तीस परसेंट लगाऊंगा तो डेढ़ लाख रुपए तो ये टैक्स आ गया पांच लाख पे लग गया जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अब मेरे दस लाख से, तो से कितने ज्यादा कह रहा क्यों बताऊं मैं क्योंकि जितने पांच लाख से ज्यादा होंगे उसका बीस परसेंट लगेगा क्योंकि जो इनकम पांच लाख से ऊपर होगी जितनी भी पांच लाख से ऊपर होगी उसका लगेगा ट्वेंटी परसेंट अब अगर दस लाख रुपए हैं

कहीं किसी टीचर का तो छोड़ो उसने सेल्फ स्टडी भी नहीं की फिर अगर टैक्स निकालना नहीं आता सर क्योंकि टैक्स निकालने में तो बच्चों वाली बातें हैं सर मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं तो सॉरी मांगता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ डिटेल में क्यों नहीं करा रहा क्योंकि सर टैक्स निकालना आपने बहुत पहले ही सीख लिया होगा इस पर टाइम वेस्ट करूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे मैंने एक बार एक क्वेश्चन फिर भी करवा दिया उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत डाउट था टैक्स निकालना आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है अब ध्यान सुनना अब जब ये टैक्स निकल के आया अब प्लीज़ ध्यान सुनना जब ये टेक्सनिकल के आया ना तो गवर्नमेंट कहती है अब हम तीन कॉन्सेप्ट और करेंगे एक तो करेंगे सरचार्ज एक करेंगे रिबेट और एक करेंगे एमआर और मैंने क्या कहा था कि आज मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा क्लास के एंड में जो बच्चे अब एंड तक बैठेंगे ना वो आज कुछ लेके जाएंगे और वो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके जाएंगे जो इस बार जून में आएंगे और वो उस जगह फायदा उठाएंगे उनके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो पहले भाग गए उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या चीज छोड़ दी आज सही बता रहा हूँ सर उनको नहीं पता भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपके ना तोते उड़ गए आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको दिखाऊंगा जून के एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेंगे और वो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन है इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं प्लीज ध्यान सुना कहना क्या चाह रहा हूं अब तीन कॉन्सेप्ट है एक तो सरचार्ज है एक एम है और एक रिबेट है सबसे पहले बात करेंगे सरचार्ज सबसे पहले बात करेंगे सरचार्ज बहुत ध्यान सुना बहुत ध्यान सुना मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर वन की ऑप्शन नंबर टू की बात नहीं कर रहा वन वन फाइव बी ए नया आया, 2020 से, उसको था उसके सरचार्ज वाले केस में कुछ अमेंडमेंट आई है पहली बात तो एक बात बताओ क्या सरचार्ज के रेट चेंज हो गए आंसर इज नो याद करो जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे या जिन्होंने पहले इनकम टैक्स पढ़ा है सरचार्ज किस रेट से एप्लीकेबल था सर चार रेट थे अगर इंडिविजुअल की टोटल इनकम पचास लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं है पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ तक है दस परसेंट है एक करोड़ से ऊपर है फिर आपका दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट है दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है पच्चीस परसेंट है अगर इनकम फाइव करोड़ से भी ऊपर है उस केस में लगेगा आपका थर्टी सेवन परसेंट मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था कि इंडिविजुअल वाले केस में फाइव टायर सॉरी फोर टायर सरचार्ज एप्लीकेबल होते हैं मतलब पचास लाख तक गवर्नमेंट कहती है तुम गरीब हो तुम मिडिल क्लास हो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज नहीं है बट अगर तुम्हारी इनकम पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ तक है दस परसेंट सरचार्ज अगर एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक पच्चीस परसेंट और अगर इनकम पांच करोड़ से भी ऊपर है थर्टी सेवन परसेंट लगेगा एक बच्चा कहता है सर जो ये आप सरचार्ज की बातें कर रहे हो तो यह सरचार्ज एप्लीकेबल कब होता है मतलब सरचार्ज जो लगेगा क्या वो इनकम पे लगेगा टैक्स पे लगेगा सर भूल के भी मत बोल देना इनकम पे लगेगा टैक्स पे लगेगा सर चार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है मतलब जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा ना उस टैक्स पे गवर्नमेंट कह रही है ये परसेंटेज आपको लगानी है अब अगर पचास लाख तक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है टैक्स निकालो आपको आगे बताऊंगा फोर परसेंट सेड करो आंसर आपका आ जाएगा अगर इनकम पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ तक है टेन परसेंट एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है पच्चीस के रेट आए अगर आप बातें बंद कर दोगे तो वो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तो वो क्वेश्चन पूरी जिंदगी लगे रहना वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा जो मुझे करवाने आज और आपको नहीं विश्वास होता मैं आपको दिखा देता हूँ आपके लिए मैं डायग्राम बना के लाया लाऊ और ये इतना बढ़िया डायग्राम बना के लाए ना आप मुझे अप्रिशिएट तो पता नहीं करोगे नहीं करोगे बट इस डायग्राम के बाद ना आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और ये देखो मैं एक क्वेश्चन ये और एक इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन मुझे करवाना आज बट वो तब होगा अगर आप बातचीत बंद करोगे इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ अब ये डायग्राम बनवाऊंगा पहले डायग्राम बनाऊंगा पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ प्लीज ध्यान सुनना अब जब ये चार सरचार्ज आज के रेट अपलीकेबल हुआ ना दस परसेंट पंद्रह परसेंट ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन ये अपने क्लास के अंदर पढ़े हैं याद करो कैपिटल गेन में आपने किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए की अगर आप शेयर बेचते हो शेयर्स वाले केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एक लाख एग्जाम होते हैं एक लाख सेबल होंगे दस परसेंट से वन वन टू ए के अंदर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए शेयर वाले केस में पंद्रह परसेंट टैक्सेबल होते हैं और आपको शायद पता होगा अब डिविडेंट का लो भी चेंज हो चुका है पहले डिविडेंट वाले केस में सीडीटी कॉन्सेप्ट लगता था अब डिविडेंट शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है अब जब गवर्नमेंट ने कहा जी हम चार रेट एप्लीकेबल करेंगे दस करेंगे पंद्रह करेंगे पच्चीस करेंगे सैंतीस करेंगे तो सारी की सारी शेयर मार्केट डाउन आ गई क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा जी हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अगर फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर वो इनकम कमाएंगे दो करोड़ से ऊपर उन्हें सरचार्ज देना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर वो इनकम कमाएंगे पांच करोड़ से ऊपर सरचार्ज देना पड़ेगा थर्टी सेवन परसेंट अब सारी के सारी शेयर मार्केट डाउन हो गई और अगर शेयर मार्केट नीचे गिर गई अगर बाहर वाले लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया इंडिया ग्रो कैसे करेगा तो गवर्नमेंट को डर था कहीं शेयर मार्केट गिर ना जाए गवर्नमेंट को डर था कि फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा इंडिया से निकाल ना ले तभी गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ रुक जाओ हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं बहुत ध्यान सुना हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं कि ये चारों सरचार्ज के रेट हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे बस तीन इनकम छोड़ के ये चारों सरचार्ज के रेट लाइन को सुनना चाहिए ये चारों सरचार्ज के रेट हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे तीन इनकम को छोड़ के एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए और डिविडेंड की इनकम ये तीन इनकम ऐसी हैं जिस पे सरचार्ज एप्लीकेबल तो होगा बट मैक्सिमम पंद्रह परसेंट से होगा ट्वेंटी फाइव और थर्टी सेवन परसेंट वाला रेट इन तीनों इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होगा इट मींस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना जी हां जी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए सरचार्ज हाइएस्ट पंद्रह परसेंट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए सरचार्ज हाइएस्ट पंद्रह परसेंट बट एक बात रटने वाला बच्चा बात ध्यान दे दे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाले कवर हैं वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू में भी आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वाले कवर हैं वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर भी आते हैं तो रटने वाला बच्चा यह बात ध्यान दे जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं वन वन टू वाला तो नहीं है क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू वाला है फिर चारों एप्लीकेबल हो और अगर वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाला है फिर आपके दस या पंद्रह तो खुश हो गई देखो मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा कि सर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के पांच करोड़ हैं या पांच करोड़ से ऊपर हैं तो क्या होगा पंद्रह परसेंट सर चार लगेगा सर अगर दो करोड़ से ऊपर हैं पंद्रह परसेंट लगेगा अगर दो करोड़ तक है फिर तो वैसे ही पंद्रह परसेंट है अगर इनकम दो करोड़ तक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना दिक्कत तब है डिविडेंड तो की इनकम पर हाइएस्ट रेट पंद्रह परसेंट लगेगा बाकी सारी इनकम पर ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन लगेगा बट इन तीनों इनकम पर नहीं लगेगा तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे कि आपके चारों सरचार्ज रेट आपको हर इनकम पे एप्लीकेबल कर रहे हैं तीन इनकम को छोड़ के और बच्चे को लग रहा है ये बात तो आपने हमें अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी बताई थी ना तो आपने कौन सी बड़ी बात बता दी अब बड़ी बात क्या बता दी आपको मैं भी बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना आपकी आंखें ना खुल गई फिर आप मुझे बोल देना सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसान नहीं बनेंगे आपको एग्जामिनर घुमा देगा घुमा और आप कहोगे भाई साहब मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन है क्या तो उसको समझने के लिए एक बार यहां पे देखो जी पहले क्या लिखा हुआ है

कि 25 और 37% परसेंट वाले सरचार्ज आपको हर इनकम पे एप्लीकेबल करने हैं मेरे साथ बोलेंगे जी हर बच्चा हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा हेलो हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा कि जो 25 और 37 के सरचार्ज हर इनकम पे एप्लीकेबल होंगे तीन इनकम छोड़ के कौन-कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी सर अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी या 112ए वाले 112ए वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई भी या ट्रिपल वाले, ट्रिपल बने बने वाले, वाले और डिविडेंड तो डिविडेंड है, तो मुझे फटाफट से बोल दो पांच बार सीधो के बैठो सीधो के बैठो पांच बार बोलो जी कौन कौन इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन टू ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन 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 ए डिविडेंड की इनकम डिविडेंड की income, की income, की income, की इनकम 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 डिविडेंड 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 ये तीन इनकम ऐसी हैं जहां ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन नहीं लगाना यहां मैक्सिमम पंद्रह लगाना है बाकी सारी इनकम पर ट्वेंटी फाइव भी लगेगा थर्टी सेवन भी लगेगा वो डिपेंड करता है टोटल इनकम कितनी है अब क्वेश्चन आपके क्या आ रहे हैं मेरे को तो पता है क्वेश्चन क्या आ रहे हैं मुझे पता है क्वेश्चन क्या आ रहे हैं क्वेश्चन आपका ये निकल के आ रहा है सर मैंने कहा कहते सर अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है और अदर इनकम भी दी हुई है तो उस केस में हम कैसे बाइफ़र्केट करेंगे भाई आपने हमें बोला मैंने कहा एक बात मुझे बताओ कैसा क्वेश्चन कह रहे हो एग्जाम में आने का सर हम कह रहे हैं जैसे मान लो एक बच्चे का क्वेश्चन सुनना जी एक बच्चे का क्वेश्चन सुनना बच्चा कह रहा है मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के हैं लेट्स चेक एन एग्जांपल मैं कहा ठीक है कहता सर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ए के हैं मान लो भगवान झूठ ना बुलवाए साठ लाख मैं कहा ठीक है कहता मान लो अदर इनकम जो है ना अदर इनकम मतलब डिविडेंड की इनकम छोड़ के मान लो डिविडेंड की इनकम यहाँ पे नहीं दी हुई अदर इनकम जो दी हुई है वो दी हुई है जी एक करोड़ बीस लाख रुपए दी हुई है एक करोड़ बीस लाख रुपए दी हुई है ठीक है कहता सर अब अगर इन सबको टोटल कर दें इन सबको टोटल कर दें तो इनकम तो दो करोड़ से ऊपर हो गई मैं बिल्कुल ऊपर हो गई कहता अब अगर इनकम दो करोड़ से ऊपर हो गई तो ट्वेंटी सरचार्ज लगाना है अब अगर इनकम दो करोड़ से ऊपर हो गई तो ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाना है कहता सर बट आपने मुझे कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर पंद्रह परसेंट लगता है तो क्या फिर जो बाकी इनकम होगी इसका जो टैक्स आएगा उस पर ट्वेंटी फाइव लगेगा गवर्नमेंट कह ऐसे चेक नहीं करना मैंने कहा था ना जो बातें देखने में आसान लग रही हैं वो बातें एक्चुअल में आसान नहीं है सर वैसे मेरी इनकम दो करोड़ से ज्यादा है वैसे मेरी इनकम दो करोड़ से ज्यादा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्वेंटी फाइव लगेगा सर कमाल की बात कर रहे हो अभी तो आपने कहा कि अगर इनकम दो करोड़ से ऊपर होगी पांच करोड़ तक होगी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट है अब आप कह रहे हो कि इनकम दो करोड़ से ऊपर है ट्वेंटी फाइव नहीं है अब ये दो करोड़ से ऊपर है ये चेक कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अब मैं आपको बताऊंगा सर इसी चीज के लिए मैं एक डायग्राम बना के लाया हूं जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो भी इसको बनाएंगे और जो कोई भी बच्चा है सर रिविजन करने के लिए जो भी बच्चे आए हैं वो सब इसको बनाएंगे बट अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बनाना पाप लगेगा जी पहले समझ लो अगर समझ में नहीं आएगा बना लोगे फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहले प्लीज एक बार समझ लो मेरे कहने से एक बार समझ लो इधर देखो ध्यान से इधर देखना यहां पे ना मैंने टोटल इनकम के दो वाइफर्केशन किए हैं पहला वेयर टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम मान लो टोटल इनकम है ना वो स्पेशल इनकम है ही नहीं सोच के बोलना अगर टोटल इनकम में वो तीन इनकम ही नहीं है हाँ जी अगर टोटल इनकम में वो तीन इनकम ही नहीं है क्या कोई क्लेश आएगा कुछ क्लेश ही नहीं होगा सर अगर टोटल इनकम में वो तीन इनकम ही नहीं है फिर तो नॉर्मल सी बात है भैया पचास लाख तक नीला है पचास लाख से अपना एक करोड़ तक दस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट थर्टी सेवन बात खत्म हो गई मेन मुद्दा तो तब आएगा मेन पंगा तब पड़ेगा जब टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम भी आ जाएंगी मेरी बात समझ पा रहे हो आप या वैसे आके बैठ गए हो बातें समझ में आ रही है ना मतलब अगर टोटल इनकम में ध्यान सुना अगर टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है कलेश तो तब पड़ेगा जब टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम ही नहीं है कलेश किस बात का एक बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बेकार की बातें करते हो आप अगर टोटल इनकम में वो स्पेशल इनकम नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएंगी बताओ प्रॉब्लम क्यों आएगी क्योंकि जो स्पेशल इनकम है उसी में तो पंद्रह परसेंट की बात हो रही है ना अगर वही इनकम हट चुकी है फिर तो नॉर्मल सरचार्ज रेट है देखो मैंने क्या लिखा वेयर टोटल इनकम डॉट इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए और डिविट इनकम तो देखो जी अगर इनकम पचास लाख तक है नील सरचार्ज पचास लाख से है, एक करोड़ दस परसेंट अगर एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट अगर दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है पच्चीस परसेंट और अगर पांच करोड़ से ऊपर है थर्टी सेवन परसेंट भैया कोई दिक्कत नहीं है आप ये चारों सरचार्ज रेट एप्लीकेबल कर सकते हो क्योंकि उसमें स्पेशल इनकम है ही नहीं सर ये तो हो गया अब वो बताओ ना जो ये वाला क्वेश्चन आपने हमें दिखाया है जिसको देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा करना कैसे है आप ये तो बताओ अब ये सेकंड वाला केस अब ध्यान से देखना चाहिए टोटल इनकम बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से वेयर टोटल इनकम वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स जहां टोटल इनकम इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए और डिविडेंड की मतलब जहां टोटल इनकम में तीनों इनकम भी इंक्लूड हो जाएंगी तब क्या होगा तो देखो जी अगर ये सारी इनकम मिला के अगर सारी इनकम मिला के पचास लाख तक है फिर तो नील सर चार्ज है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर सारी इनकम मिला के पचास लाख से ज्यादा है एक करोड़ तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दस परसेंट लगना ही लगने अगर सारी इनकम मिला के एक करोड़ से ज्यादा है दो करोड़ तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है पंद्रह लगना है क्योंकि मेन पंगा तब आएगा जब इनकम दो करोड़ से ऊपर जाएगी सर मेन पंगा तब आएगा जब इनकम दो करोड़ से ऊपर जाएगी क्योंकि अगर मेरी इनकम दो करोड़ तक है तो पंद्रह परसेंट सरचार्ज है तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है स्पेशल इनकम पर भी पंद्रह तो लगेगा ही लगेगा तो भैया अगर इनकम सारी मिला के दो करोड़ तक है फिर तो कोई क्लेश ही नहीं है ना फिर तो भैया जो टैक्स निकालोगे उसका पंद्रह परसेंट सरचार्ज लगा दो बात खत्म कर दो बट मेन मुद्दा तब आएगा कि जब नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम मिला के इनकम दो करोड़ से ऊपर जाएगी तब देखो बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना अब गवर्नमेंट कह रही है अगर इनकम आपकी दो करोड़ से ज्यादा है अगर इनकम आपकी दो करोड़ से ज्यादा है उस केस में क्या होगा तो गवर्नमेंट कह रही है टैक्स कंप्यूटेड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने और डिविडेंड की इनकम उस पर तो लगा दो पंद्रह परसेंट बात खत्म मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था अब ये इनकम दो करोड़ से ज्यादा है ये इनकम दो करोड़ से ज्यादा है तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा ना उसका जो टैक्स आएगा उस पर तो पंद्रह परसेंट सरचार लग जाएगा मतलब उस पे तो परसेंट के बारे में सोचना ही नहीं है सर 25 परसेंट के बारे में स्पेशल इनकम के किसमें सोचना ही नहीं है मतलब गवर्नमेंट करिए उस पर टैक्स निकालो टेंशन मत लेना दिमाग को ऐसे ऐसे मत करो और ऐसे ऐसे मत दबाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म होगा ये डायग्राम जब खत्म होगा आप खुद मैसेज करके जाओगे सर वाक्य कॉन्सेप्ट आज तक जो समझ में नहीं आया था ना आज हमें समझ में आ गया बट पहले आराम सुन लो पहले आराम सुन लो देखो अगर इनकम दो करोड़ तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इनकम दो करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कह रही है भैया फिर स्पेशल इनकम तो लगना है तो स्पेशल इनकम का टैक्स निकालो उस पे लगा तो दो परसेंट सरचार्ज अब बच्चा कहता है ठीक है सर उस पर अब इफ टोटल इनकम ध्यान से अगर टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस डिविडेंड की इनकम जो ये बैलेंस इनकम बची है मतलब जो तुम्हारी बैलेंस इनकम बची बैलेंस इनकम क्या अब वैसे इनकम दो करोड़ से ऊपर है टोटल मिला के दो करोड़ से ऊपर है बट अगर मैं उस इनकम में से ये दोनों इनकम बाहर निकाल दू स्पेशल वाली तो इनकम कितनी बची एक करोड़ बीस लाख ना तो गवर्नमेंट कह रही है अगर वो तुम्हारी इनकम दो करोड़ तक बची तो उस पर भी पंद्रह परसेंट सर चार्ज लगेगा अच्छा सर एक बार दोबारा बोलना एक बार दोबारा बोलना है ये तो हमें कंफ्यूजन लग रही है यही तो चीज समझने वाली है मेरे नोनू मेरे सोनू मेरे बैंगनी कलर के बच्चों क्या लगा था क्या लगा था आपको खुश होगा सांबा सांबा खुश नहीं होगा यहां देखो ध्यान से ध्यान सुनना जी गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट कह रही है टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटा दो सारी इनकम मिलाके के दो करोड़ से ऊपर है सारी इनकम मिलाके के दो करोड़ से ऊपर है ठीक है तो ऐसा करो स्पेशल इनकम में पंद्रह परसेंट लगा दो अब उस इनकम में से स्पेशल इनकम हटा दो जो बाकी इनकम बची अगर वो दो करोड़ तक है तो उस पर भी पंद्रह लगेगा बट अगर वो इनकम दो करोड़ से ज्यादा है पांच करोड़ तक है तो उस पर लगेगा पच्चीस और अगर वो इनकम पांच करोड़ से ऊपर है फिर लगेगा थर्टी सेवन नहीं आ रहा समझ मुझे पता है नहीं आ रहा समझ ठीक है अब देखो मैं आपको क्रक्स दिखाता हूं क्रक्स कैसे इधर देखो ध्यान से हेलो इधर देखो ध्यान से इधर देखो केस नंबर वन नोटिंग मत करना पहले समझ लो बच्चों के पसीने आ गए पसीने मुझे आने चाहिए नालायक मैं तो गर्मी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लाइट वालों को पता नहीं आज क्या हो गया और आज सुबह कितनी लाइट जा रही है मुझे ताकि रिविजन क्लास रिकॉर्ड होगी नहीं होगी बट मैं, मैं बीच में बंद तो नहीं कर सकता ठीक है तो अगर जितनी भी रिकॉर्डिंग भगवान करे रिकॉर्डिंग पूरी हो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गर्मी आपको लग रही है क्वेश्चन देख के गर्मी लगनी चाहिए मुझे इधर देखो ध्यान से अब मैं केस बनाता हूँ बातचीत बिल्कुल नहीं बातचीत बिल्कुल नहीं केस बना रहा हूँ जी मान लो मान लो मेरी नॉर्मल इनकम है नॉर्मल इनकम है पचास लाख एक कैसी है नॉर्मल इनकम है अस्सी लाख नॉर्मल इनकम है डेढ़ करोड़ नॉर्मल इनकम है ढाई करोड़ और नॉर्मल इनकम है साढ़े पांच करोड़ बताओ जी सरचार्ज जल्दी बोलो सरचार्ज अगर इनकम पचास लाख है नील पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ तक है दस परसेंट जो टैक्स आएगा एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है पच्चीस परसेंट और अगर पांच करोड़ से ऊपर है थर्टी सेवन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्योंकि इसमें स्पेशल इनकम इंक्लूड ही नहीं है और अगर स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है फिर तो नॉर्मल सरचार लग जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा कह रहा है है सर इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो छोड़ो ना मेन तो वो वो केस केस बताओ जिसमें स्पेशल इनकम आ जाती है। वो देख लेते हैं मुश्किल थोड़ा आसान है इधर देखो नॉर्मल इनकम मेरी है नॉर्मल इनकम मतलब उन तीन इनकम को छोड़ के जब भी मैं बोलूंगा ना नॉर्मल इनकम समझ लेना उन तीन इनकम को छोड़ के नॉर्मल इनकम मेरी है भगवान जूठ ना बुलवाए अस्सी लाख ठीक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के मान लो है चालीस लाख ठीक है अब सोच के बोलना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए के मान लो है तीस लाख लो जी सो समझ के बोलना सो समझ के बोलना क्या इस टोटल इनकम में क्या इस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है या नहीं है यस है सर क्या इस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है या नहीं है बिल्कुल है बट एक बार टोटल करना अस्सी चालीस बीस एक बीस हो गया एक बीस और तीस कितना हो गया डेढ़ करोड़ हो गया अब अगर डेढ़ करोड़ हो गया दो करोड़ तक है दो करोड़ तक है तो भैया सिंपल सी बात है इस इसपे जो टैक्स निकालोगे स्लैब रेट से उस पर भी पंद्रह परसेंट सरचार्ज लगेगा इस पर जो टैक्स निकालोगे उस पर भी पंद्रह परसेंट लगेगा इस पर जो निकालोगे उस पर भी पंद्रह परसेंट लगेगा बात खत्म क्योंकि अगर इनकम दो करोड़ तक होगी तो पंद्रह परसेंट सरचार्ज ही एप्लीकेबल होगा ये आप सब जानते हो तो इसमें चाहे स्पेशल इनकम इंक्लूड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग टैक्स निकालो उनके जो रेट एप्लीकेबल होते हैं परसेंट लगा दो बच्चा कहता है सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो के होते हैं उस पे किस रेट से टैक्स लगता है भूल गए हम मैंने कहा था ना पहले करके आना आपको थोड़ा याद करवा देता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के एक लाख तक एग्जाम होते हैं एक लाख से जो ऊपर इनकम होती है उस पर टेन परसेंट टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए पर पंद्रह परसेंट टैक्स लगता है डिडेंड की इनकम में तो स्लैबरेट लगता है और नॉर्मल इनकम में भी स्लैबरेट लगता है तो इस पे क्या करोगे अस्सी लाख पे निकाल दोगे से इस पे चालीस लाख में से 1 ,000 ,000 एक लाख माइनस कर दोगे क्योंकि लाख लाख है 39 ,000 ,000 का 10 आएगा और तीस लाख पे पेट टैक्स निकालोगे तो जो टैक्स आएगा इस पर पंद्रह परसेंट सरचार्ज यहां भी पंद्रह परसेंट सरचार्ज कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं फर्क तब पड़ेगा फर्क पता कब पड़ेगा फर्क यह पड़ेगा, पड़ेगा इधर देखो ध्यान से नॉर्मल इनकम है छोड़ के सेशन मत चले जाना बहुत नुकसान हो जाएगा बहुत नुकसान होगा आपका बहुत नुकसान होगा सही बता रहा हूं नॉर्मल इनकम है मान लो आपकी एक करोड़ बीस लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के हैं मान लो साठ लाख ठीक है जी साठ लाख हो गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए के हैं मान लो साठ लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए के हैं मान लो ये आ गया पचास लाख अब एक बात मैंने सोच के बताना एक बात सोच के बताना ये टोटल कितना बन गया टोटल बताओ जी टोटल बताओ जल्दी एक करोड़ बीस लाख प्लस में साठ लाख प्लस में पचास लाख कितना बन गया बन गया गया जी ये दो करोड़ तीस लाख बन गया दो करोड़ लाख बन गया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है दो करोड़ तीस लाख बन गया अब अगर ये दो करोड़ तीस लाख है दो करोड़ से ज्यादा है दो करोड़ से ज्यादा है तो पता मैं किसमें कवर हो गया इसमें कवर हो गया देखो मोर देन टू करोड़ इसमें कवर हो गया तो गवर्नमेंट कहती है विवेक गवर्नमेंट कहती है कि जो तेरा टैक्स आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स आएगा ना उस टैक्स का तू पंद्रह परसेंट सरचार लगा दे और जो तेरी टोटल इनकम है दो करोड़ तीस लाख उसमें से अगर तू ये दोनों इनकम माइनस कर दे तो कितनी इनकम बची एक करोड़ बीस लाख बची तो ये दो करोड़ तक है तो भैया इसके टैक्स का भी तू पंद्रह परसेंट ही सरचार लगाएगा बच्चा कहता है यार बट इनकम तो दो करोड़ से ऊपर है ना सर इनकम दो करोड़ से ऊपर है वो टोटल इनकम है इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो चेक नहीं करनी मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है और वो दो करोड़ से ऊपर है तो पहले क्या करो इनके टैक्स का पंद्रह लगाओ इन इनकम को बाहर निकाल के जो इनकम बची है अगर वो दो करोड़ तक है तो उस पर पंद्रह परसेंट लगेगा हाँ ध्यान सुन लेना मेरी बात को अगर यहाँ पे एक करोड़ बीस लाख की जगह दो करोड़ बीस लाख होता तो फिर इसके टैक्स का पंद्रह परसेंट सर चार्ज आता सॉरी ट्वेंटी मतलब सर गवर्नमेंट देखो इधर देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा गवर्नमेंट ने कहा इफ टोटल इनकम अगर तुम्हारी टोटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाहर निकाल के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाहर निकाल के और डिविडेंट इनकम बाहर निकाल के दो करोड़ तक है तो पंद्रह परसेंट दो करोड़ से ऊपर पांच करोड़ तक है तो पच्चीस परसेंट और अगर पांच करोड़ से ऊपर है तो थर्टी सेवन परसेंट सर चार्ज तो सर सरचार्ज ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा वो देखना पड़ेगा वो इनकम कितनी है उसके बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ठीक है तो ऐसा करना पहले तो ये डायग्राम ना ये डायग्राम आप सबने बनाना है अब मुझे नहीं पता आप में बनाया है नहीं बनाया ठीक है ये मैंने अपनी क्लास के अंदर बनवाया था ठीक है तो कुछ रेगुलर क्लास वाले बच्चों ने शायद नहीं बनाया होगा ये तो वो भी बना लें जी ठीक है यहाँ एक बार पोज कर लेना एक बार पोज कर लेना और एक तो डाउट चैट बॉक्स में लिखने बंद करो कई बच्चे कह रहे हैं दोबारा एक बार दोबारा एक बार दोबारा एक बार दोबारा रुक जाओ अभी रुक जाओ अगर मुझे लगेगा ये कॉन्सेप्ट समझ में जल्दी नहीं आ रहा तो मैं अगली रिवीजन क्लास में भी एक घंटा इस पर लगा दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है क्योंकि जून के एग्जाम में कन्फर्म एक नहीं तो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे इस कॉन्सेप्ट के बनेंगे और बच्चों के तोते उड़ जाएंगे अगर इसने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो मैंने पहले भी कहा था है ये रिवीजन क्लास आपको लग रहा होगा मैं अगर फास्ट करवाने पे आता ना मैं पता क्या बोलता याद करो क्लास में किया होगा याद करो क्लास में किया होगा याद करो क्लास में किया होगा काम खत्म कर देता मैं बट मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टाइम लगाऊंगा जी ठीक है जी एक बार यहाँ पोज करके एक तो ये डायग्राम बनाना है उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ये लो जी अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा वैसे मुझे था कि आज हम एम आर वाला कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे मार्जिनल रीफ उसमें भी कई बच्चों को दिक्कत आती है एम आर निकालने में बट मुझे लग नहीं रहा आज होगा अप्रोक्सीमेट एक घंटे से ऊपर हो गया हमारा और ऐसा ना हो कि यहाँ पे मेरी लाइट चली जाए और सारी रिविजन क्लास मेरी बेकार हो जाए ठीक है तो आज ये तो डायग्राम एक तो बनवा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको छोड़ पाएंगे इस भी मुझे लग रहा है टाइम लगाना पड़ेगा ठीक है तो एक बार एक बार ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया नहीं आया ठीक है या ये बताना कि सर इसको मैं दोबारा समझाऊं मतलब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं वैसे तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा ठीक है ये लो जी अभी पोज करके ये लिख लेना चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा एक आधा तो मैं अभी करवा दूंगा एक तो मैं अभी करवा दूंगा एक, तो एक मैं दूंगा होमवर्क पहले मेरे को था कि मैं दोनों के दोनों क्लास में कराऊंगा रिवीजन क्लास में बट मुझे लग नहीं रहा कि दोनों के दोनों हो जाएंगे फिर वो दो घंटे की रिवीजन क्लास हो जाएगी फिर वो ना मजा नहीं आएगा फिर वही लंबी लंबी रिवीजन क्लास होंगी आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा ठीक है तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं आज ही करा दूंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं घर से करा दूंगा ताकि मैं देखना चाहता हूं कि हाँ भाई जब अपने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे आप क्या करके आते हो चलो जी ये आपने नोटिंग कर ली ये आपने नोटिंग कर ली अब मैं आ रहा हूं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ रहा हूं ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाँ जी नीचे एग्जाम्पल दिख रहा है अब यहाँ पे देखना जी यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से मेरी पीजीपी की इनकम है एक करोड़ मेरी पीजीपी की इनकम कितनी है एक करोड़ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू के फिफ्टी फाइव लैख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिफ्टी फाइव लैख यह भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिफ्टी फाइव लैख है एक बात मैंने सोचकर बताना इन सबको जोड़ के मेरी टोटल इनकम आ गई दो करोड़ दस लाख कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा क्या टोटल इनकम है स्पेशल इनकम है या नहीं है बिल्कुल है बट इनकम दो करोड़ से ऊपर है देखने से लग रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज लगेगा गवर्नमेंट कहती नहीं गवर्नमेंट कहती नहीं गवर्नमेंट कहती है पहले ऐसा करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए देखो फिफ्टी फोर लैख का टेन परसेंट फिफ्टी का टेन टैक्स आएगा जी कई बच्चे सोच के अंदर पड़ गए कह रहे भाई इनकम तो पचपन लाख दी है को मैंने अभी बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाले अगर दिए होंगे तो एक लाख एक्जाम तो सर वन वन टू ए में एक लाख एग्जाम तो होते हैं तो एक लाख के बाद जो इनकम होगी वो टेन परसेंट टैक्सेबल होती है ना याद करो वन वन टू ए तो वही तो मैंने किया है तो पचपन लाख है चौवन लाख टेन परसेंट पांच लाख चालीस हजार पे टैक्स आ गया फिर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने के फिफ्टी फाइव के उस पर लगा दिया पंद्रह परसेंट आठ लाख पच्चीस हजार पे टैक्स आ गया आप एक बार निकाल के देख लेना इतना टैक्स आएगा अब जो ये एक करोड़ रुपए के हैं इस पे लगाया स्लैब रेट इस पे कुछ नहीं कहा तो मैंने क्या कहा था क्लास में आप क्या मानोगे लेस देन सिक्सटी मानोगे रेजिडेंट मानोगे तो भैया उस केस में दस लाख पर कितना आता है एक लाख बारह हजार पांच सौ तो अट्ठाईस लाख बारह हजार पांच सौ टैक्स आएगा अगर इनकम एक करोड़ है निकाल के देख लेना जी सर अगर इनकम एक करोड़ है स्लैब से कितना टैक्स आएगा अट्ठाईस लाख बारह हजार पाँच सौ अब ये ना ऐसे मुंह मत बनाओ सर ये रेगुलर बैच नहीं चल रहा कि मैं आपको तीन तीन पाँच पाँच बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में जो बच्चे सामने बैठे होंगे रेगुलर बैच में उनको पता होगा आठ से दस लेक्चर लगे थे मैं कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मुझे पता है और ऐसे मुंह मत बनाओ कि टैक्स कैसे आ गया सर टैक्स के रेट तो पता होंगे ना नोटिंग नोट्स तो आपके पास होंगे नोट्स तो होंगे ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए एक लाख से ऊपर टेन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए पंद्रह परसेंट और बिजनेस इनकम स्लैब रेट तो एक करोड़ स्लैब रेट लगाओगे अट्ठाईस लाख बारह हजार पांच आएगा ये टोटल टैक्स आ गया फोर्टी वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इतना टैक्स आएगा एक बार टोटल कर लेना मैं भी टोटल कर लूँ पांच लाख चालीस हजार प्लस में आठ लाख पच्चीस हजार और प्लस में अट्ठाईस लाख बारह हजार पांच सौ 41 ,77, 500 ये टैक्स निकल के आ गया। मेरा दो करोड़ से ज्यादा है वैसे ट्वेंटी फाइव परसेंट लगता है बट गवर्नमेंट कहती नहीं जो तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आ रहा है ना उस पर हाइएस्ट पंद्रह परसेंट ही लगेगा तो देखो जी मैं आपको दिखाता हूं ये तो आपका निकल के आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनका टोटल कर लो पांच लाख चालीस हजार आठ लाख पच्चीस हजार तो देखो तेरह लाख पैंसठ हजार पर पंद्रह परसेंट मैंने सरचार्ज लगा दिया तो सरचार्ज आ गया मेरा इतना मेरा सरचार्ज आ गया इतना सरचार्ज आ गया अच्छा अब जो मेरी बैलेंस टैक्स बचा अट्ठाईस लाख बारह हजार पांच सौ इस पे क्या रेट लगाऊ इस पे कैरेट लगाऊ ट्वेंटी फाइव बोल दो से मैं एक करोड़ दस हजार माइनस कर दूंगा तो बच्चेगा एक करोड़ और अगर इनकम दो करोड़ तक होती है तो गवर्नमेंट कह रही है पंद्रह परसेंट सरचार्ज लगाना है एक बच्चा कहता है यार अगर इनकम एक करोड़ तक होती है तो सरचार्ज तो दस परसेंट लगता है ना नलायक वो 10 परसेंट तब लगता है अगर सबको मिला के इनकम एक करोड़ तक होती है यहां सबको मिला के इनकम तो दो करोड़ से ऊपर जा रही है यहां वैसे इनकम दो करोड़ से ऊपर है बट फिर भी 25 फाइव परसेंट सच एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि जो टोटल इनकम है स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के दो करोड़ तक है हाँ अगर ध्यान सुना अगर ये बिजनेस की इनकम अगर ये एक करोड़ की जगह दो करोड़ होती अगर ये एक करोड़ की जगह दो करोड़ से ऊपर होती फिर जो टैक्स आता उस पर ट्वेंटी आप एक बार देखो ना ये जो मैंने डायग्राम बनाया इस डायग्राम में क्या है इस डायग्राम में यही तो है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम जो है सबको मिला के इन तीन इनकम को बाहर निकाल के अगर वो दो करोड़ तक है तो पंद्रह परसेंट अगर दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है ट्वेंटी अगर फाइव करोड़ से ऊपर है देन 37. तो भैया मेरी टोटल इनकम तो कितनी है एक करोड़ है ना तो देखो अट्ठाईस लाख बारह हजार पांच सौ का पंद्रह परसेंट सर ये सरचार्ज आ गया अब ये टैक्स है और ये सरचार्ज है ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज इसमें चार परसेंट सेस जोड़ूंगा तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे एक बच्चा कह रहा है भाई छोड़ आएंगे एक नंबर का है छोड़ आएंगे ऐसे एक एक नंबर करते करते छोड़ाना क्योंकि एग्जाम का लेवल तो बढ़ रहा है सर एग्जाम का लेवल तो बढ़ रहा है और जून में तो कई हजारों बच्चा एग्जाम देने वाला है कंपटीशन बहुत ज्यादा है पेपर आसान तो आएगा नहीं सर सिंपल पेपर आसान नहीं आएगा मैं तभी कह रहा हूं कि जितनी रिविजन क्लास में ध्यान लगा के चलोगे उतनी रिवीजन आपकी बढ़िया होगी और अगर नहीं समझ में आ रहा ना एक बार वीडियो खत्म होने के बाद पीछे करके दोबारा दो तीन बार सुन लेना पीछे करके दोबारा दो तीन बार सुन लेना मैंने क्या बोला है समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आएगा और जो उस डायग्राम मैंने बनाया है उस डायग्राम को 10-15 मिनट शांति से बैठ के एक बार देख लेना अगर वो डायग्राम समझ में आ गया ना एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी डाल दे आप गलती नहीं करके आओगे सर तो वो डायग्राम में बहुत टाइम लगा है और बहुत जबरदस्त डायग्राम है दैट इज बेस्ट अगर मैं बोलूँ ना बेस्ट डायग्राम वो बेस्ट डायग्राम है सही बता रहा हूँ बेस्ट डायग्राम है सर ठीक है ये क्वेश्चन है एक बार तो ये क्वेश्चन ये उ, इसकी फोटो क्लिक कर लेना पोज करके यहां तक एक बार पोज कर लो ठीक है और यहां एक बार पोज कर लो अब मैं आपको दिखा रहा हूं अगला क्वेश्चन जो आपने होमवर्क करके आना है ये क्वेश्चन है खतरनाक मजेदार क्वेश्चन है लिखो जी एग्जाम्पल नंबर टू लिखो आज का होमवर्क लिखो बातचीत बंद करो बिल्कुल बातचीत बंद करो जी बिल्कुल पीजीबी इनकम ध्यान से पीजीपी की इनकम दो करोड़ साठ लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए तीन करोड़ एक लाख तीन करोड़ एक लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने एक करोड़ रुपए के टोटल है करोड़ इकसठ लाख रुपए की इनकम है एक बच्चा नाचने लग गया कह रहा थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगाऊंगा थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगाऊंगा थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगाऊंगा सरचार एग्जामिनर कह रहा है लगा ले लगा ले लगा ले अगले छह महीने में दोबारा आ सर क्यों नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनकम पांच करोड़ से ऊपर है मैंने क्या बोला? इनकम करोड़ से ऊपर ऐसे चेक नहीं करने। सर अगर तुम्हारी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है तो स्पेशल इनकम का जो टैक्स होगा उस पर तो हाइएस्ट पंद्रह परसेंट ही लगेगा उस पर कितना लगेगा पंद्रह परसेंट अब एक बार सोच के बोलना अगर मैं छह करोड़ इकसठ लाख में से अगर छह करोड़ इकसठ लाख में से ये स्पेशल इनकम बाहर निकाल दूं तो कितनी बची दो करोड़ साठ लाख तो दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है अब इसके टैक्स का ट्वेंटी जा अच्छा। अब सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है पूरा तो नहीं बट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मतलब टोटल इनकम में से अगर स्पेशल इनकम बाहर निकाल देंगे जो बैलेंस इनकम बचेगी नॉर्मल इनकम अगर वो दो करोड़ से ऊपर होगी फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट लगेगा आंसर इज यस तो स्पेशल इनकम पे तो पंद्रह ही लगेगा ठीक है इसका आंसर मैं नहीं चाहता मैं आपको दिखाऊं मैंने आंसर वैसे किया हुआ है ठीक है बट मैं नहीं चाहता मैं आपको दिखाऊं ये आंसर आप घर से खुद करके आओ अच्छा देखो तीन करोड़ एक लाख है तीन करोड़ एक लाख है गलती से भी तीन करोड़ एक लाख पे टैक्स मत लगा देना तीन करोड़ पे लगेगा क्योंकि एक लाख एग्जाम होती है तो आप पता क्या करोगे तीन थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं चलो या नहीं बताऊं खुद निकाल के आओगे पक्का पक्का मैं चाहता हूं इसे खुद निकाल के आऊ उस डायग्राम को देख के इसका टैक्स खुद निकाल के आओ आप नहीं बताऊं पक्का चलो टैक्स रेट तो बता दूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रिपल बने, और जो बिजनेस इनकम है स्लैब रेट। स्लैब रेट रेट में क्या मानोगे लेस देन सिक्सटी एज है इंडिया का रेजिडेंट है अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसका टैक्स प्लस में सरचार्ज प्लस में फोर परसेंट सेस कितना टैक्स निकाल के आते हो एम की टेंशन मतलेना एम आर छोड़ दो एम आर की बातें नहीं कर रहा चाहिए MR की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है देखो इस तरह के लग रहा है तो उड़ गए ना चूट मत बोलना वाकई मजेदार नहीं है ठीक है।, है सर तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की एक बार दोबारा से दो मिनट लगा देता हूँ टाइम तो वैसे ज्यादा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है कोई टेंशन नहीं है देखो जी इधर देखो पांच मिनट लास्ट पांच मिनट पांच मिनट में पूरे घंटे पच्चीस मिनट का कर्स बताने चाह रहा हूं लास्ट के पांच मिनट में आज हमने क्या बोला जी टैक्स का पहले तो डेफिनेशन की, टैक्स का मीनिंग क्या होता है फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है टैक्स की नीड क्या होती है चार्जिंग सेक्शन एवरी पर्सन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द लिमिट एवरी पर्सन मीन्स पर्सन में सब लोग कवर होंगे क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग कवर होते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट हर पर्सन पे लगेगा हर पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा टोटल इनकम कैसे निकलते हैं फटाफट से बोलो ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है पांच हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लो ठीक है उसके बाद फिर आपका निकल के आता है टोटल इनकम निकल गई प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर मीन पिछला साल नहीं प्रीवियस ईयर मीनस इनकम कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल इनकम कमाओगे वो प्रीवियस ईयर बनेगा बारह महीने का भी होगा बारह से कम भी होगा वो डिपेंड करता है बिजनेस सेटअप कब किया है कमेंसमेंट हमारे किसी काम की नहीं होती असेसमेंट ईयर मतलब जब टैक्स पे करेंगे हमेशा बारह महीने का होगा फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च तक होगा एग्जामेशन लिमिट पुराने केस में जो हमारे एग्जाम में अभी एप्लीकेबल है मैं ऑप्शन टू की बात नहीं कर रहा ऑप्शन वन की बात कर रहा हूँ ढाई लाख तीन लाख और पांच लाख रेजिडेंट वाले केस में एनआर वाले केस में हर केस में ढाई लाख होगी अब बात की हमने टैक्स निकालना आ गया फिर बात है कि सरचार्ज की अगर इनकम पचास लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं है पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ तक है दस परसेंट एक करोड़ से ऊपर दो करोड़ तक है पंद्रह परसेंट दो करोड़ से ऊपर पांच करोड़ तक है ट्वेंटी होगा थर्टी सेवन परसेंट लगेगा बट गवर्नमेंट ने कहा ये ट्वेंटी और थर्टी सेवन परसेंट वाले सरचार्ज हर इनकम पे अपलीकेबल कर देना तीन इनकम को छोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए और डिविडेंट इनकम को छोड़ के बच्चा कहता है सर इन इनकम पे कितना लगेगा हाइएस्ट पंद्रह परसेंट उसके ऊपर लगेगा ही नहीं बच्चा कहता है सर अगर इनकम मिक्स हो के आ गई तो मैंने आपको दो केस बताए हैं इस डायग्राम के अंदर डायग्राम को दोबारा देख लो गवर्नमेंट कहती है दो केस बनाओ अगर तुम्हारी टोटल इनकम में ये स्पेशल इनकम नहीं दी हुई फिर तो कोई कलेश ही नहीं है नॉर्मल दस पंद्रह ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन लगा दो बट अगर तुम्हारी टोटल इनकम में ये स्पेशल इनकम भी है और ये सारी इनकम मिला के पचास लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं सारी इनकम इलाके पचास लाख से ऊपर एक करोड़ तक है दस परसेंट है सब पे दस परसेंट है सारी इनकम इलाके एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ तक है सारे टैक्स पे पंद्रह परसेंट है बट अगर सारी इनकम इलाके दो करोड़ से ऊपर है अगर सारी इनकम इलाके दो करोड़ से ऊपर है तो जो स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा तो तो उस पर लगा दोगे पंद्रह जो स्पेशल पे टैक्स आएगा उस पर लगा दोगे पंद्रह उस स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के जो इनकम बचेगी हेलो उस स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के जो इनकम बचेगी अगर वो दो करोड़ तक है उस पर भी पंद्रह अगर वो दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक है ट्वेंटी फाइव और अगर पांच करोड़ से ऊपर है फिर लगेगा 37. तो ये 25, 37, उस पे भी ऐसे नहीं लगेगा स्पेशल इनकम को बाहर निकाल के नॉर्मल इनकम कितनी बची इन तीनों में से जिस कैटेगरी में कवर होगी उसके बेस पे सरचार्ज लगेंगे ठीक है जी तो ये सरचार्ज का फंडा है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये मैंने आपको पहला करवा दिया ठीक है अब ये टैक्स रेट आपने क्लास के अंदर पढ़े होंगे एक बार नोट्स देख लेना जी ठीक है ये आपका है उसके बाद फिर आपका हूँ है, है, तो और और करा दूंगा ठीक है और दूसरी बात एम वाला कॉन्सेप्ट समझना है और तीसरी बात जो वन वन फाइव बी है एक बार प्लीज घर से पढ़ के आना फिर मुझे आपके यहाँ चेहरे दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे चेहरे हाय ये क्या चल रहा है ये जो तो चेहरे दिख रहे हैं ये उसी भाव को पैदा कर रहे हैं कि आपने घर से कुछ पढ़ा नहीं है या बहुत टाइम पहले पढ़ा है या बस हारे का सहारा विवेक बाबा हमारा उस चक्कर में आप आ गए ठीक है सर तो मैं जान तो पूरी लगा दूंगा बट हाँ बात मैंने क्या बोला एक घंटे का इनकम टैक्स चौबीस घंटे में रिवाइज करना है तो ऑबियस ही बात है सर मैं उस डिटेल में तो नहीं जा सकता बट कम से कम इतना तो मैं आपको थोड़ा दे सकता हूँ कि हाँ आपको समझ में आए कि वाकई ही आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो प्लीज अगली क्लास से पहले एक बार जरूर पढ़ के आना एक तो सरचार्ज वाला केस एम वाला केस और वन वन एक बार रिवाइज करके आना ताकि नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया समझ में आए आपको ठीक है पूरा शेड्यूल टेलीग्राम पे है किस दिन चैप्टर कौन सा होगा वो सारी बातें वहां पे है ठीक है चलो जी फिर बाकी मुलाकात करूंगा मैं परसों कल हमारा लेक्चर है सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों का अगर कोई है तो उन्हें बता देना कि रिवीजन क्लास उनकी भी यूट्यूब पे होगी शाम को सात बजे और बाकी आपकी होगी और मैंने बाद में प्रोफेशनल वाले कई लेक्चर मतलब प्रोफेशनल वालों को बंद करके फिर एग्जीक्यूटिव के चलेंगे लगातार ठीक है चलूँ फिर मैं या रुकूँ चलूँ पक्का पक्का और प्यार करके जाना यार ठीक है कई बच्चे नालायक हैं जो वो कई क्या नाम है उनका विशाल ऐसे होंगे जो डिसलाइक करके भागेंगे मेहनत को बट कोई दिक्कत नहीं है सर मेरा काम हार्ड वर्क करना है दिल से हार्ड वर्क करो मेरा भगवान जानता है आपको मैंने कभी भी गैर नहीं माना आपको मैंने अपने दिल का टुकड़ा माना

थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लव यू सो मच थैंक यू